सब जन मिल के परमेश्वर के सन्मुख दे हजूर विनती प्रेर प्रार्थना करांगे सब जन मिल के। सर्वशक्तिमान सामर्थी परमेश्वर, मेरे यहोवा परमेश्वर, मेरे कृपालु और दयालु परमेश्वर, असी सब गल्लां लई तुहाडा थैंक्स करदे हां, तुहाडा धन्नवाद करदे हां अज दे दिन दे लई, इस सुंदर समय दे लई जो तुसीं सानूं दित्ता, अपनी हजूरी अपनी प्रेजेंस दे विच बुलाया परमेश्वर। असीं इक इक गल दा तुहाडा थैंक्स करदे, तुहाडा धन्नवाद करदे हां मेरे खुदा आ परमेश्वर। सचमुच परमेश्वर तुसीं सानूं मूर्खां नूं चुन लिया परमेश्वर, साडे ते इस भेद नूं प्रगट कीता परमेश्वर। असीं वफादारी दे नाल तेरे विच वधदे जाइए, चलदे जाइए मेरे खुदा आ परमेश्वर। जिन्ने भी लोग भैन भरा आए तेरी हजूरी च अज सेम ना जान परमेश्वर, अज एक भी जन सेम ना जाए परमेश्वर, तेरे दास दे द्वारा इन्हां ते बिग मसा काम करे परमेश्वर। जो जिसके भी जीवन दे विच जो दुख हालात बीमारियां प्रॉब्लम्स वा, अज हरेक जन परमेश्वर शिफा पा के जाए, अपनी चंगाई नूं प्राप्त करके जाए मेरे यहोवा परमेश्वर। और सचमुच जो तुहाडे विच वफादारी आ, उस वफादारी नूं अपने जीवन दे विच करदे जान मेरे यहोवा परमेश्वर। असीं तुहाडा थैंक्स करदे हां, तुहाडा धन्नवाद करदे हां जो तुसीं सानूं अपनी पाक हजूरी दे विच चुनिया वा, सद्या वा, बुलाया वा परमेश्वर। मैं अपने बिजनेस दे विच, अपने किराने दे विच, अपनी फैमिली दे विच, अपनी हर एक चीज दे विच परमेश्वर तैनूं पहल देण वाला बन जावां परमेश्वर, तैनूं पहल देण वाला बन जावां परमेश्वर। सचमुच परमेश्वर ऐसा मन आ मैनूं दे चुके जो मेरे खुदावन परमेश्वर, मैनूं मन दा नम्र दीन हलीम बना चुके जो परमेश्वर। हर एक को पाप दी विरोध दी शैतान दी आत्मा वालों जो मेरे मन नूं खराब करदा वा, हर एक को शक्ति मेरे जीवन चो परमेश्वर दूर कर चुके जो आप। अज मेरे जीवन चो उन्हां बंधना नूं तोड़ चुके जो परमेश्वर आप, उन्हां बंधना नूं तोड़ चुके जो मेरे खुदा आ परमेश्वर आप। सचमुच पिता साडी देख रेख आप कर रहे जो, जिवें यहोशू नूं तुसीं कहा ना डर ना घबरा मैं तेरे अंग संग आ मेरे खुदा आ परमेश्वर। आप अज भी तुसीं साडे नाल जो, तुहाडा मसा साडे जीवन च काम कर रहा वा मेरे खुदा आ परमेश्वर। अज अपने दास दे द्वारा सचमुच तुसीं सानूं कीमती वचन दे चुके जो, जो सानू लोड़ है, जो सानू जरूरत है परमेश्वर, साडे जीवन जो उस लोड़ नू उस जरूरत नू अज अपने दास दे द्वारा साडे जीवन दे विच परमेश्वर आप पूरा कर चुके जो। असीं तुहाडा धन्नवाद करदे हां, तुहाडा थैंक्स करदे मेरे यहोवा परमेश्वर। सब गल्लां लई असीं तुहाडा थैंक्स करदे हां मेरे यहोवा परमेश्वर। सचमुच पिता महान जिस धरती और आकाश नू बनाउण वाले मेरे यहोवा परमेश्वर, आप साडियां सब जरूरतां नू जान दे जो, और साढ़े जानन तो पहला परमेश्वर साड़ी चाहत आ जो असी मांगदे आ परमेश्वर। सचमुच तुसी साढ़े मंगन तो भी पहला साढ़े लिए सब चीजा साढ़े लिए तैयार रखी और आप सानू दे चुके जो मेरे यहोवा परमेश्वर। असी ये विनती ये प्रेयर ये प्रार्थना तेरे सन्मुख तेरे हजूर कर रहे हैं मेरे यहोवा परमेश्वर। जद तक साड़ी को सुहास आ मेरे यहोवा परमेश्वर, असी तुहाडे विच वफादारी दे नाल चलदे जाइए, तुहाडे विच वधदे जाइए, ये मसा साडे जीवन दे विच और भी दिन प्रतिदिन वधदा जाए मेरे यहोवा परमेश्वर, और दिन प्रतिदिन वधदा जाए मेरे यहोवा परमेश्वर। सानू बहुत सारा अब इस्तेमाल कर चुके जो मेरे खुदा है परमेश्वर, मेरे खुदा है परमेश्वर। जिवें साडे जीवन च तेरी अद्भुत ज्योति आई आ, इस जीवन तो परमेश्वर और बहुत सारिया रूहां नूं आप बचा चुके जो, और बहुत सारे लोगों के जीवन बचा चुके जो। असी तुहाडा धन्नवाद करदे हां, तुहाडा थैंक्स करदे हां पिता, अज दे इस दिन दे लई समय दे लई जो तुसीं सानूं दित्ता वा, सानूं सारे नूं इकट्ठियां कीता वा, क्योंकि परमेश्वर साडी अपनी वल्लों नहीं आ, परमेश्वर साडी अपनी वल्लों नहीं आ, तुहाडी वल्लों आ, तुसीं सानूं सारे नूं इकट्ठा कीता वा, बुलाया वा मेरे खुदा है परमेश्वर। निश्चय परमेश्वर आ साडे जीवन तो अपनी इच्छा नूं अपनी मर्जी नूं पूरा कर चुके जो मेरे यहोवा परमेश्वर। असीं सब गल्लां लई तुहाडा थैंक्स करदे हां, तुहाडा धन्नवाद करदे हां, और इस समय नूं पूरे समय नूं परमेश्वर असीं तेरे जलाली तेरे पाक हत्थां दे विच दिंदे हां, और मंगदे हां प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे विच, आमीन, हालेलुया। और असीं सब जन पूरे दिल तो पूरे मन तो परमेश्वर दी महिमा दे लई ਉਹਦੇ ਭਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਔਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਲ 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 ਹਲ
धन्यवाद मसीह गुरु यीशु जी के सामर्थी और पवित्र नाम दे विच असी सब जन सच्चे परमेश्वर जी दे लई एक जोरदार क्लैपिंग करांगे और जो परमेश्वर जी दे दास असी उन्हां दे लई एक जोरदार क्लैपिंग करांगे। रब दे पैर विच रह के आओ जिंदगी गुजारी, रब दे पैर विच रह के आओ जिंदगी गुजारी, रब दे पैर विच रह के आओ जिंदगी गुजारी, रब दे पैर विच रह के रहता है।
रब दे पै विच रहके आमीन। तो ठीक है, सामर्थी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस भजन के लिए। आओ असि परमेश्वर की इस वर्शिप सॉन्ग के द्वारा महिमा करिए। गाओ सना जिंदा खुदा की, गाओ सना शाफी
लगते तीर
ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦੁਆ ਟੁੱਟੇ ਅਗਰ ਆਪ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦੁਆ ਆਪ ਆਪ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸੇ ਟੁੱਟੇ ਆਪ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਏ ਆਪ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੇ ਹਰ ਰੋਗ ਸੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆਮੀਨ
को पता है इस धरती उपर जो एक भी व्यक्ति जो किन्नु कबूल करता किन्नु स्वीकार करता कि विश्वास करता है कि यीशु मेरा किया गुरु और प्रभु जो मेरे जीवन दे पाप नहीं मरिया और फिर तीसरे दिन जी उठा बोलो मरिया और तीसरे दिन फिर जी उठा और जो कोई इंसान सच्चे परमेश्वर नाल उदा जीवन बचाया जाता है और वो किदे नाल जुड़ जाता और इस दुनिया दे विच क्यों किन्नू दुख हुंदा पता किन्नू देखो किन्नू दुख हुंदा आ जदों कोई इंसान एक व्यक्ति बच जाता जदों पूरे मन तो पूरे दिल तो पूरी जान तो किन्नू स्वीकार करता और किन्नू अपने जीवन च ग्रहण करता तो रूह बच जाती है वो इंसान किदे राज दा अधिकारी हो जाता तो शैतान नू अग लगती है कि लगती है पर कोई जदों बिना जाने इस दुनिया चो चला जाता है तो कौन खुश हुंदा है शैतान खुश हुंदा क्यों पता है एक परमेश्वर दा मंदिर एक दी रूह अच में फिर नाश करती है पर दुनिया दे मालिक दी चाहत किया बोलो दुनिया दे मालिक दी चाहत किया वो सच्चे परमेश्वर दी चाहत किया वो दी की चाहत है कि सब मनुष्य बचाए जान और मेरे साथ दे ज्ञान तक पहुंचे मेरे सच्चे ज्ञान और ज्ञान साढ़े जीवन का कल्याण करता है असी कल भी दस रहे से कि नया मनुष्य तो परमेश्वर क्या नए मनुष्य को पहन लो जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान के अनुसार नया बनता है कादे अनुसार नया बनता है ज्ञान के अनुसार अगर थोड़े जीवन च ज्ञान नहीं है बोलो बोलो कि हो क्योंकि लिखिया अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार उस ज्ञान के उस ज्ञान से किसके ज्ञान से क्योंकि इंसान कीदा स्वरूप है बोलो कीदा स्वरूप है इंसान तो कादे नालो नया बनता है ज्ञान नाल ज्ञान नाल और ज्ञान साडे जीवन दा की करता कल्याण इसलिए जो ज्ञान नु सिखदे ने बोलो की करदे ने जो ज्ञान नु सिखदे ने ज्ञान नु पाउंदे ने परमेश्वर ने परमेश्वर दास सुलेमान ने क्यों किया कि हे मेरे पुत्र मेरी तालीम मेरी शिक्षा नु की ना कर ना बोल मेरे पुत्र मेरी तालीम मेरी शिक्षा जो मैं तेनु देना है की ना कर बोल ना उनू अपने मेरी शिक्षा नु अपने गले दा हार बना ला और मेरे वचना नु अपने उना गल्ला नु हृदय रूपी पट्टियां ते की कर लिख और जेड़ा इंसान इदा करेगा बोलो की करेगा ओदे वचन नु अपने जीवन च प्राप्त करेगा फिर वो कदी नाश नहीं होएगा उन्हें कदी सोचना नहीं पाएगा वो परेशान नहीं होएगा क्योंकि अंदर कीदा ज्ञान आ रहा इसीलिए क्या इंसान कीदा स्वरूप या एक नया मनुष्य तब ज्ञान दे अनुसार नया बनता जा कि बनता या जो ज्ञान आंदा या तो पुराना मनुष्य तब नष्ट हुंदा कादे अनुसार ओदे कम्मा दे अनुसार और परमेश्वर दे ज्ञान नाल इंसान नया बनता ठीक है सो इस करके हमेशा प्रभु ने किया जो ज्ञान की खोज करेगा की करेगा सबसे पहले की क्या प्रभु ने तुम उसके राज्य और सच्चाई की क्या करो खोज करो क्या करो सबसे पहले तुम उसके राज्य और सच्चाई की खोज करो जब तो करोगे जो चीजें तुसी चाहते हो प्रभु ने किया वो सब चीजा तुहाडे पिछे आउणगियां हरेक बंदा इतने जीवन की शांति चंग्याई बरकत चाहता है कौन नहीं चाहता कौन नहीं चाहता बोलो कौन नहीं चाहता हरेक इंसान इस दुनिया च शांति चंग्याई बरकत चाहता कि चाहता है पर परमेश्वर ने कहा अपने दास सुलेमान दे द्वारा कि मैं जीवन मौत शराब ते बरकत चार चीजा ने पर मैं सब तो पहला किनू चाहना है अपना जीवन किनू अपना जीवन क्योंकि जीवन है तो सब कुछ है और जब जीवन है तो तुसी किदी खोज कर सकते हो मरण तो बाद जो शायद नबी कहता फिर महिमा
नहीं होता। असि सबके महिमा च बुलाए गए हैं, इसलिए अगर तुम ओरी खोज करते हो, महिमा करते हो, तो जो चीजा लैन दे इस जगह से सच्चे परमेश्वर के कोल आए हो। पर बाणी च लिखिया किस अनुसार आए हो, किस मन्नल आए हो, इस लिखिया पुराना मनुष्य उसके कामों के अनुसार, उसके ज्ञान के अनुसार नया बनता है। जो तो ज्ञान आता है फिर दुनियादारी नाल नहीं, वो फिर किन्नू प्रेम करता है, और जिन्हों प्रेम करता है वो फिर कौन है, वो सब चीजा प्रभु ने कहा वो पिछे आने की दुनिया दिया सब चीजा उसके पिछे पै के। अगर किसी को चंगाई चाहिए तो पिछे पिछे आएगी, अगर किसी को बरकत चाहिए तो पिछे पिछे आएगी। एक किदा वादा है, बोलो किदा वादा है। इसलिए असि अज किदी पनाह च आ, किदी शरण च आए, बोलो किदी पनाह किदी शरण च आए हैं। इसलिए अपने पूरे दिल और रूह नाल अपने आप नु किदी रूह नाल परो, किदी रूह नाल परो परमेश्वर। ओके आमीन। ओके सब परमेश्वर की वर्षिप के लिए खड़े हो जावांगे। सब असी पूरे मन तो उस सच्चे परमेश्वर के नाल, क्योंकि जिन्हां दे अंदर सच्चे परमेश्वर का पवित्र आत्मा आ वो कदी ना थकते आ ना अकते आ, क्योंकि परमेश्वर का वचन दसदा, मैं नहीं दसदा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल आ साडे, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपनी सामर्थ नूं उन्हां दे अंदर भरदा। मुश्किल 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 मुश्किल
यसु मेरा यसु यसु मेरा यसु यसु
यसु यसु मेरा यसु यसु मेरा यसु यसु तू यसु मेरा यसु यसु मेरा यसु यसु मेरा यसु यसु मेरा यसु यसु वो मेरी मुश्किल में वो मेरा मुश्किल कुशा मेरे शाफी ने दी मेरे दिल को शिफा मेरे शाफी ने दी मेरे दिल को शिफा मेरा रबी अपा मेरा मुश्किल कुशा मेरा यसु यसु मेरा यसु यसु मेरा यसु यसु परमेश्वर का वचन बताता है सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन बताता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के संग था वचन ही परमेश्वर था और वचन देहधारी होके हमारे बीच में आया और वही यीशु वही परमेश्वर है और जो कोई आत्मा से जन्मा और आत्मा की भरपूरी में होकर यीशु का नाम लेता है क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता कि हम क्यों यीशु 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 पुकार रहे हैं और भी दुनिया में बहुत सारे नाम हैं बहुत सारे नाम हैं लेकिन क्यों क्यों हम यीशु यीशु नाम ले रहे हैं क्योंकि उसमें हर एक चीज जो आपके अंदर मुर्दा है हर एक चीज जो आपके इर्द गिर्द मुर्दा है जो अंग मुर्दा है वो यीशु के नाम में जी उठते हैं जी उठते हैं हालेलुया मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु
हालेलुया आमीन। तारीफ करेंगे, तारीफ प्रभु के नाम की। इसलिए प्रभु ने कहा जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा बोलो क्या है, वो क्या है बोलो क्या है। अगर आप आत्मा से जन्मे हो तो आपकी आवाज कितनी होनी चाहिए। अगर आप आत्मा से जन्मे हो, जो शरीर से जन्मा प्रभु ने कहा वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। इसलिए प्रभु ने कहा हर एक मनुष्य को नए सिरे से, कैसे नए सिरे से जन्म लेना आवश्य आवश्यक समझे जरूरी है, क्योंकि जब तक वो शरीर चया बोलो तब तक वो रूह दी भरपूरी विच पार नहीं सकता। शायद हो सकता है कोई न्यू कोई नया आए, आज पहली फर्स्ट वारी कोई आए एक व्यक्ति और बोले एक ही कर रहे नहीं, ये तो पागल हो गए नहीं, बोलो की हो गए नहीं, इतनी पागला मांग कर रहे नहीं, पागल नहीं। जो साडे प्रभु यीशु मसीह जो यरूशलम दे विच गए, किथे गए तो चेले प्रभु दे हो सना हो सना हो सना, किस तरह हो सना कर दे की दी उस्ताद की दी वड़ियाई कर रहे सी। और लोका ने फरीसियां संदूकियां ने उन्हें क्या इन्हें चुप कराओ, की कराओ इन्हें चुप कराओ इन्हें चुप, ये बहुत शोर कर दे की कर देने। प्रभु यीशु मसीह ने क्या अगर ये चुप हो जाएंगे, की हो जाएंगे अगर ये चुप हो जाएंगे पत्थर चिल्ला उठेंगे, पत्थर पत्थर बोल पेंगे। हालेलुया तारीफ करांगे प्रभु के नाम की। कि क्या इन्होंने इन्होंने चुप कराओ चुप, तो प्रभु ने क्या करे चुप हो जाएंगे ते पत्थर चिल्ला उठेंगे पत्थर बोल उठेंगे, इन्हें करन दो इन्हें दी महिमा। इसलिए कह रहे हैं कि शायद कोई नया आके बैठा इस जगह ते उन्हें अजीब लगेगा कि लगेगा, पर इसीलिए प्रभु ने किया जो शरीर से जन्मा वो शरीर है, जो शरीर से जन्मा वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। और आत्मा से जन्म लेना प्रभु ने किया आवश्यक है, जरूरी है, हर एक के लिए जरूरी है। बोलो क्या है, हर एक के लिए। इसीलिए क्योंकि हम पूरा संसार जी पाप से भरा हुआ है, किससे भरा हुआ है, और पाप से लोग अज्ञात है, क्या है अज्ञात समझने, पाप से लोग अनजान है, अनजान अज्ञात मतलब अनजान है, लोग जानते नहीं उसकी, उनको पाप की नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है। इसलिए तो परमेश्वर ने कहा मेरी प्रजा मेरे लोग क्या हो रहे हैं, नाश हो रहे, उनको पता नहीं है। जीवन लेना और सुख लेना और शांति और बरकत लेना परमेश्वर से कोई भी औखा काम नहीं है। बोलो किया क्योंकि ऐसी शरीर तो इसलिए सानू प्राप्त नहीं हो रहा, कि नहीं हो रहा क्योंकि ऐसी शरीर तो जन्मे और शरीर अनुसार सोचते हैं। जिस दिन तुम आत्मा तो जन्मोगे और आत्मा दिया गल्लां नू असी सिखांगे फिर तनु कोई कमी नहीं रहेगी। बोलो की नहीं रहेगी, तनु कोई कमी तनु कोई कटी नहीं रहेगी, तनु सोचना नहीं पाएगा कि मेरा काम होएगा या नहीं होएगा, प्रभु मेरे साथ है या नहीं है, मेरे दुख विच है या नहीं है। असि वीरवार वीरवार दी मीटिंग शाम नू बोलो असि इत्थे प्रभु दा वचन दसिया कि प्रभु ने कहा साडा महाजाजक यीशु साडा की आ, क्योंकि पुराने समय दे विच जाजक लोग होंदे सी जदों जदों परमेश्वर दा तंबू धनवास स्थान से जिथे स्वर्ग तो परमेश्वर तंबू चाहते थे किसी। इसलिए परमेश्वर ने दाऊद नु कहा मेरा धरती उत्ते की निवास स्थान नहीं है, कि नहीं है मेरा धरती के उपर निवास स्थान नहीं है, तू मेरे लिए की बना मेरा मंदिर,
मेरा घर बना, की बना मेरा घर बना, क्योंकि मेरा निवास स्थान नहीं। बोलो क्या अज असी कि पवन बनाया और इस जगह कौन कि दृष्टि इस जगह ते कि निगाह है इतने कौन इतने काम करता है कौन इतने बोलता है कौन सानू उस पाप तो छुड़ाउंदा है और कौन सानू इस जगह ते पाप की नॉलेज ज्ञान देता समझते हैं। इसलिए यरूशलम एक सेंटर से जिथे लोग सीखने के लिए आते क्यों आते अज इस जगह पर तुम क्यों आते हो सीखने लिए आते हो ओडा सीखता है जानता है क्योंकि पाप बारे उन्होंने नॉलेज नहीं है बा पाप बारे उन्हें नॉलेज नहीं है अज्ञात ने लोग उस चीज को और जो लोग जानते हैं और समझते हैं कि पाप की है और पाप तो असं छुटकारा किवें पा सकते हैं। बोलो इसलिए प्रभु ने कहा जो शरीर से जन्मा वो शरीर है जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है जो शरीर से जन्मा वो शरीर है पर लोगों नू इदा बैलेंस इन्हां दा कोई नॉलेज नहीं ज्ञान नहीं आपनू कईयां नू पता नहीं शरीर और आत्मा की केड़ा जन्म है की नहीं है। एक निकुदेमस नाम दा व्यक्ति प्रभु दे कोल आया यही गल उन्हें बोली उन्हें बोलिया जब कोई मनुष्य बूढ़ा हो जाएगा अपनी मां की गर्भ में फिर से प्रवेश करेगा क्या करेगा अपनी मां की गर्भ में फिर से प्रवेश करेगा क्योंकि उन्हें समझ नहीं आई आत्मिक गल की समझ नहीं आई क्यों असी अपने पापा तो मन फिराने ते किदे नाम दा बपतिस्मा लेने असी बोलो पापा तो मन फिराना और किदे लिए जीना फिर अपनी बुरी जिंदगी दे बुरे कम्मां नू असी छड के किदे नाल जुड़ने। इसलिए प्रभु ने कहा जो शरीर से जन्मा वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है और आत्मा से जन्मा व्यक्ति कभी भी पाप नहीं करता। बोलो क्या नहीं करता वो किसका भय रखता है किसका डर रखता है अपने जीवन में वो कभी भी कोई गलती नहीं करता क्योंकि वो आत्मा से जन्मा है। वो कभी भी उल्टी चाल नहीं चलता क्या नहीं चलता वो किसी की बुराई नहीं करता चुगली नहीं करता निंदा नहीं करता किसी के बारे बुरा नहीं सोचता क्या नहीं सोचता वो किसी के बारे बुरा नहीं सोचता क्योंकि वो आत्मा से जन्मा है क्योंकि आत्मा के फल और शरीर के फल दोनों परमेश्वर ने हमें लिख कर दिए अपने बाइबल वचन में हमें दिए मगर हम ध्यान नहीं करेंगे उसका ध्यान। इसीलिए मैंने बोला कि ये सब इस वचन को अपने जीवन में तख्ती के अपने दिल की तख्ती पर लिखना मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ये इस वचन को और नोट करो इस वचन को ताकि आप किसके ज्ञान में बढ़ो किसके प्रेम में बढ़ो। कुलसियों की पत्री उसका 3 अध्याय सब नोट करना और इस वचन को अपनी घर पर अपनी दीवार पर लिखकर रखना ताकि आपको समझ आए। 3 अध्याय उसका 9 पद 3 का 9 एक दूसरे से झूठ मत बोलो क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है और नए मनुष्यत्व को नई को पहन लिया। बोलो नया जन्म साडा कदों हुंदा है बोलो नया जन्म साडा कदों सब चौकसो लोग परेशान क्यों नहीं अपने जीवन च क्यों हाय हाय करते हैं क्योंकि किदी गल नूं समझदे नहीं है किदियां गल्लां नूं अपने जीवन च नहीं लेंदे। बोलो अज क्यों लोग परेशान ने क्यों लोग दुखी ने क्यों लोगों के जीवन च शांति नहीं है बरकत नहीं है आशीष नहीं है क्यों उन्हां नूं कटे आ प्रॉब्लम क्यों आ क्योंकि किन्नू नहीं जानते। यीशु मसीह ने आके इस धरती के उपर तो 2000 साल पहला आके क्या सिंपल वर्ड्स दिता कि सच्चाई नू जानो सच्चाई की करेगी आजाद करेगी की करेगी पर सी क्योंकि आजादी एक किदे नाम च सानू मिली है। बोलो आजादी किदे नाम च मिली है आजादी किदे नाम च मिली है सानू किदे नाम च मिली है यीशु दे नाम च मिली है सानू आजादी किदे नाम च मिली है क्योंकि तुसी सारिया ने किदा अंगीकार किया बोलो किदा विश्वास किया किदा अंगीकार किया किदा विश्वास किया
तो सांप इस जगह ते लिखिया और नए मनुष्य को पहन लिया नए को क्योंकि एक जन्म साडा पाप तो होया क्यों होया एक जन्म साडा पाप तो और दूसरा जन्म साडा परमेश्वर तो होया पवित्र आत्मा तो होया क्या दे तो होया एक असी पाप तो जन्मे और दूसरा जन्म साडा परमात्मा तो पवित्र आत्मा तो किदे तो जिस दिन तो असी किदा अंगीकार किदा विश्वास किता इसे लिखिया कि और नए मनुष्य को पहन लिया जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है अपने सृजनहार के स्वरूप में क्योंकि सानू सृजन वाला सानू बनाने वाला कौन है सानू सृजन वाला सानू बनाने वाला बोलो कौन है बोलो सब बोलो जी कौन है केड़ा परमेश्वर जो आकाश ते पृथ्वी नु बनाने वाला परमेश्वर साडा सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है अगर ज्ञान नहीं आ तो नया नहीं बनेगा बोलो कि नहीं बनेगा अगर तुम्हारे जीवन च किदा ज्ञान नहीं है क्योंकि अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए की बनता जाता हो नया की बंदा बोलो नया नया और नया मनुष्य तो जो आत्मा तो जन्मा इसलिए प्रभु ने कहा जो शरीर तो जन्मा वो शरीर है जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है और तू सिखा दे तो आज जन्म लेना है आज तू सिखा दे तो जन्म लेना बोलो का दे तो आत्मा तो जन्म लेने दे ली सानू की करना पड़ेगा पता है आत्मा तो जन्म लेना तो सानू की करना पड़ेगा सानू किदा विश्वास करना पड़ेगा सानू किदा अंगीकार करना पड़ेगा किन्नू अपने जीवन च ग्रहण करना पड़ेगा और किड़िया किड़िया चीजा नू सानू छड़ना पड़ेगा अपने जीवन च किदा पैर रखना चाहिए किदा आदर करांगे असी किदा हर नियम हर आज्ञा अज असी पूरी करांगे उन्नू बोलते आत्मा तो जन्म क्योंकि शरीर तो जन्मिया परवाह नहीं करता उन्हें किसी गल की कोई चिंता नहीं फिक्र नहीं है मेरा आत्मा तो जन्मया हर गल का अपने जीवन च पैर रखता है डर रखता है डर मतलब कि आदर करता है की करता है वो सब चीजा पिछे छड़ के सब तो पहला स्थान किनू देता है बोलो किनू देता है और जो इंसान देवेगा जो इस तरह करेगा वो कदी अपने जीवन च कदी भी अपने जीवन च उन मुश्किल नहीं आएगा अच किस तरह से गया मेरा यीशु यीशु इन शब्द से गाएंगे गाएंगे मेरी मुश्किल में वो मेरी मेरी मुश्किल में वो मेरा मेरी मुश्किल खुशा खुशा मेरी मुश्किल में वो मेरा मुश्किल 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 खुशा मेरे शाफी ने दी मेरे दिल को शिफा 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 मेरा रब अपार मेरा मुश्किल खुशा मेरा यीशु यीशु 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 मेरा यीशु मेरा यीशु मेरा यीशु उसका जुआ नरम और गुलाम
मेरा यसू यसू 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 मेरा यसू हालेलुया। बोलो क्या है उसके नाम में? कुवत है। कुवत समझते हो? उसके नाम में कितनी महिमा है, कितना बड़ा छुटकारा है। बोलो उसके नाम में कितनी बड़ी महिमा और छुटकारा है। पर जो शरीर से जन्मा वो नहीं समझेगा, जो आत्मा से जन्मा वो समझेगा। इसलिए प्रभु ने आके लोगों को कहा, हे बोझ तले दबे लोगों, मेरे पास आओ। क्या आओ? मेरे पास आओ, अपना बारी वाला जुआ मुझे दो और हल्के वाला मेरे से लो। पर लोग अपना बोझ देंदे नहीं। बोलो की नहीं करते हो? अपना बोझ देंदे नहीं, क्योंकि जो जान गया, जो नु पहचान गया, वो अपना सारा बोझ सारी चिंता किन्नू देवेगा और किदा विश्वास करेगा। और वो किसे तुम ही दूर? बोलो किसे तो दूर या? और वो फिर वो किदे ली गाएगा? किदे ली गाएगा? वो हर समय यीशु 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 करेगा, क्योंकि वो आत्मा तो जन्मिया। चिले क्यों इस तरह हो सना हो सना हो सना क्यों गाते? क्योंकि उन्होंने अंदर रूह और आत्मा की फल आ गई। कि आगे रूह और आत्मा दे फल आगे, इसलिए वो गाउंदे सी। जब तक प्रभु ने कहा नहीं, सिर में सरे तो कोई जन्म नहीं लेगा। क्या देते? इसलिए परमेश्वर दास पौलुस जी ने रोम दी पत्री 8 अध्याय दा वचन देखना, 9 पढ़ना, जिथे लिखिया में कि जिसमें मसीह का आत्मा नहीं, 8 या 9 आएगा, 8 दी 8 चनो, 8 दी 8 चनो दिखन दिखन दिखन। हाँ, 8 की 8 दी 9 रोम दी पत्री 8 अध्याय उदा 9 आए। नोट करो। अगर सीखन नहीं आते हो, अगर मेला वेखन नहीं आते हो, अज इतने हो, कल कित और हो गए। बोलो अगर प्रभु दियां गल्लां नूं सीखन ते जीवन पाउण दे लई आते हो। बोलो अगर तुसीं प्रभु दियां गल्लां नूं सीखन ते जीवन पाउण दे लई आए हो, तो तुहाडा जीवन इत्थे नहीं। बोलो तुहाडा जीवन इत्थे इत्थे होएगा। बोलो तुहाडा जीवन इत्थे इत्थे नहीं होएगा, तुसीं कित्थे होवोगे? क्योंकि जो तुसीं किहदियां गल्लां नूं सिखोगे, किहदियां गल्लां दा अपने जीवन च पैर रखोगे और अपने जीवन किहदे अनुसार चलाओगे? क्योंकि असीं तो की करदे हां? अपनी मन मर्जी। की करदे हो? बोलो अपनी मन मर्जी। की इत्थे की लिखिया? परंतु जब के परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं। हाँ, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, क्या करता है? बोलो बसता है। अगर बसता है तो इसीलिए बोला मैंने कि जो शरीर से जन्मा वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। अगर आपको इस चीज की समझ नहीं आई, अब जिंदगी भर रोते रहोगे। जिंदगी भर क्या करते रहोगे? जिंदगी भर रोते रहोगे कि मेरा काम क्यों नहीं हो रहा, कि मेरी मुश्किल में मेरा क्या है, मेरी मुश्किल में मेरा खुशा, मेरी मुश्किल खुशा, मतलब खुशा मतलब मेरी खुशी, मुश्किल में मेरा मेरी खुशी है, मेरी हर मुश्किल में मेरी कौन खुशी है?
पर जे कादे विच जन्मे हो आत्मच। इसलिए परमेश्वर दास पौलुस जी ने कहा क्योंकि सानू समझना पड़ेगा, इस गल नू जानना पड़ेगा, की करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। दोबारा से पढ़े, परंतु जब के परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शरीर की दशा में नहीं, परंतु परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। क्या करता है? जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, आत्मिक दशा में। बोलो किसमें हो? आत्मिक दशा में। आत्मिक जन कभी भी कोई पाप नहीं करता, कोई जुना नहीं करता। बोलो आत्मिक जन कोई पाप करेगा? यूसुफ आत्मा तो जन्मया, यूसुफ कादे तो जन्मया सी, आत्मा तो, आत्मा तो उन्हें पाप किया, यूसुफ ने पाप किया। अगर थोड़े जीवन के अंदर बैठ चुका, यूसुफ कादे तो जन्मया, सब ध्यान करो, कोई नहीं है, तो सिर्फ वचन ते ध्यान लगाओ। ऐसा वचन थोड़ी जिंदगियों नु बदलने वाला है, थोड़ी हर मुश्किल नु आज खत्म करने वाला, क्योंकि मेरी मुश्किल में मेरा मुश्किल खुशा कौन है, मेरी कौन है खुशी। इसलिए इसी कादे तो जन्म लेना, आत्मा तो, आत्मा तो। बोलो कितना सब सब चौकस हो जाओ, चौकस हो जाओ। आज का वचन आपकी जिंदगी को बदल देगा, मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपकी जिंदगियों को बदलेगा, आपकी हर घटी को पूरा करेगा और आपकी हर मुश्किल को दूर करेगा। फिर आप गाओगे कैसे, मेरा यीशु यीशु, 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 मेरा मुश्किल खुशा, मेरी मुश्किल में वो मेरा मुश्किल खुशा, मेरी मुश्किल में वो मेरा मुश्किल खुशा, मेरी मुश्किल गाओगे, आप हमेशा गाते रहोगे जैसे दाऊद गाता था। क्या करता था? जैसे दाऊद गाता था। दाऊद हमेशा किसकी आराधना से भरा रहता था, किसकी स्तुति में रहता था, वो रात दिन मगन रहता था। आप भी रहोगे क्योंकि दाऊद किससे जन्मा? आत्मा से जन्मा, क्योंकि उसका अभिषेक हुआ। इसका अभिषेक परमेश्वर की ओर से अभी नहीं हुआ। बोलो, अभी वो शारीरिक है, आत्मा से नहीं जन्मा। बोलो, जिसका अभिषेक परमेश्वर की ओर से होगा वो गाएगा, हमेशा गाएगा, वो यीशु यीशु गाएगा जैसे दाऊद गाता था। क्योंकि दाऊद का किसकी ओर से अभिषेक हुआ? किसकी ओर से अभिषेक हुआ? इसलिए परमेश्वर का वचन हमें समझाता है। कैसे? फिर से पढ़ेंगे, जे आई दोबारा से पढ़ो। परंतु जब के परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, तुम आत्मिक दशा में। बोलो क्यों? क्योंकि जब तक शरीर विचो तनु हर दुख, हर मुसीबत तनु की देगी, नुकसान देगी, की देगी थोड़ा मन तनु की देगा, धोखा देगा, की देगा थोड़ा मन, तनु सोचेगा, कई विचारां च पैदा करेगा। पर जो आत्मा ते जन्मा होते जीवन च कोई विचार नहीं होता। परमेश्वर दास पौलुस जी जेडे सगा ते सानू किदा वचन दस रहे हैं, एक जगह ते क्रंथियस दे लोगों नू दसते नहीं, कहिंदा मैं हर एक उच्ची गल जो मसीह की पहचान के विरुद्ध उठती है,
ਉਹਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਲਸ ਜੀ ਕਾਦੇ ਤੋਂ ਜਨਮੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜਨਮੇ ਬੋਲੋ ਕਾਦੇ ਤੋਂ ਜਨਮੇ ਆਤਮਾ ਸੇ ਜਨਮਾ ਆਤਮਾ ਸੇ ਆਤਮਾ ਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਭ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਓ ਸਭ ਜੋ ਸੇਵਿਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਚੌਕਸ ਹੋ ਜਾਓ ਦੇਖੋ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਿਸਮਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਦਾਸ ਪੌਲਸ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਦੇ ਤੋਂ ਜਨਮਿਆ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠਦੀ ਆ ਕੀ ਉੱਠਦੀ ਆ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਖੰਡਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਜਨਮੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੋਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜਨਮਿਆ ਸੀ ਅਗਰ ਦੀ ਸੈਂਤੀ ਆਦਿ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਤੀ ਆਦਿ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹਦੀ ਅੱਠ ਦੀ ਪਰੰਤੂ ਇਨ ਸਭ ਬਾਤੋਂ ਮੇਂ ਹਮ ਉਸਕੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਸਨੇ ਹਮਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਆ ਹੈ ਜੈਵਨ ਸੇ ਵੀ ਬੜਕਰ ਹੈ ਹਾਂ ਕਿਆ ਹੈ ਜੈਵਨ ਸੇ ਵੀ ਬੜਕਰ ਹੈ ਜੈਵਨ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਫਤਿਹ ਪਾਈ ਹੋਏ ਕੀ ਪਾਈ ਹੋਏ ਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪਾਈ ਹੋਏ ਹੋ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਮਤਲਬ ਜਿੱਤ ਪਾਈ ਹੋਏ ਔਰ ਇਹ ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਪਰ ਸਰੀਰ ਸੇ ਜਨਮੇ ਹੋ ਤੋ ਵੋ ਜੀਤ ਕੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਾਸਲ ਦਾਊਦ ਆਤਮਾ ਸੇ ਜਨਮਾ ਉਸਨੇ 66 ਲੜਾਈਆਂ 66 ਲੜਾਈਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ 66 ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਹਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਵਾਲੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਮਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਆਤਮਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸਗਾ ਤੇ ਕਿ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਓ ਔਰ ਬੋਲੋ ਉਸ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਗਾ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਿਹਦਾ ਆਤਮਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਹਦਾ ਆਤਮਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਆਤਮਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਔਰ ਕੌਣ ਤੈਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਕੌਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਖੁਸ਼ਾ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕੌਣ ਤੇਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਖੁਸ਼ਾ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਵਨ ਸੇ ਵੀ ਬੜ ਕਰੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬੋਲਾ ਫਿਰ ਸੇ ਬਣੇਗੇ ਰੋਮੀਓ 8 ਕਾ 9 ਪਰੰਤੂ ਜਬ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਾ ਆਤਮਾ ਤੁਮ ਮੇਂ ਬਸਤਾ ਹੈ तो तुम शरीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो हाँ अगर बसता है तो तुम शरीरिक दशा में नहीं आत्मिक दशा में हो अगर नहीं है तो शरीरिक हो बोलो क्या हो अगर आत्मा नहीं अंदर तो क्या हो शरीरिक हो अगर बसता है तो तुम शरीरिक दशा में नहीं आत्मिक दशा में हो और आगे यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं हाँ जब किसी में मसीह का आत्मा नहीं क्या है जब किसी में मसीह का आत्मा नहीं वो उसका जन नहीं इसीलिए तो प्रॉब्लम है इसीलिए तो मुश्किल है बोलो क्या है इसी के लिए तो प्रॉब्लम है मुश्किल है लिखिया जिसमें मसीह का आत्मा नहीं वो उसका जन नहीं है इसीलिए प्रॉब्लम है आज क्यों इतनी जल्दी गुस्सा आता है क्यों इतनी जल्दी हम घबरा जाते हैं इसीलिए जब आप आत्मिक दशा में होगे किसमें अब घर घबराओगे नहीं चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो पहाड़ जितनी मुसीबत क्यों नहीं आपके सामने आ जाए बोलो जो मेरे दोनों बेटे जो पैदा हुए ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਔਰ ਦੂਜੇ ਵਾਰੀ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਨਾਂ ਵਾਰੀ ਪਹਾੜ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਬੋਲੋ ਪਹਾੜ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਆਤਮੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸਮੇ ਮਸੀਹ ਕਾ ਆਤਮਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਉਸਕਾ ਜਨ ਨਹੀਂ ਔਰ ਜਿਸਮੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਕਾ ਹੈ ਅਫੀਸੀਓ ਕੀ ਪਤਰੀ ਮੈਂ ਲਿਖਾ पवित्र आत्मा की हम पर क्या लगी है शाप मतलब मोर लगी है
और जिस चीज के उत्ते मोर लगी है, बोलो की लगी है मोर, उनको चीज डिस्कनेक्ट करता है, कैंसल करता है। इतने सरकारी जमे ठप्पा लग जाता मोर का जिस चीज से स्टाम के उपर, वह कभी फिर फेल फेल नहीं होंगी। और साढ़े उत्ते कि छाप लगी है पवित्र आत्मा की, पर जे लगी है ते जे नहीं आते नहीं, बोलो इसलिए लिखा है कि जिसमें मसीह का आत्मा नहीं हो उसका जन नहीं है। अगर है, अगर तुसी बपतिस्मा ले आया, प्रभु ने अपने जीवन च ग्रहण किया या अपने पाप तो अंगीकार किया या एक मन फिराया इस दुनिया तो, उस पाप तो जीवन जीन दे ले, अपने लिए नहीं किदे लिए जीन दे ले, और तुसी ओदे लिए जीओगे जो तुसी ओदे लिए जीओगे। मैं क्यों अज असी गा रहे हैं मेरा यीशु यीशु, फिर तुसी गाओगे क्योंकि मेरी मुश्किल में वो मेरा मुश्किल खुशा, मेरी खुशी है। कौन मेरी खुशी है? पर उस खुशी नू देने वाले परमेश्वर नू, उस प्रभु नू सानू जानना पड़ेगा, उदियां गल्लां नू सानू समझना पड़ेगा, और एक नए सिरे तो सानू जन्म लेना पड़ेगा। की लेना पड़ेगा? एक नए सिरे तो सानू जन्म लेना पड़ेगा। अगर नहीं जन्मांगे तो शरीर दियां गल्लां हमेशा, परमेश्वर दास पौलुस जी ने गलातियां दे लोकां नू समझाया कि आजादी तो मिली है मसीह विच, आजादी तो मिली है, पर शरीर, बोलो की है, शरीर दियां गल्लां अजे भी उन्होंने जीवन च की ने प्रगट ने। बोलो की है, आजादी तो जरूर मिल गई है, जीवन तो मिलिया, पर शरीर दियां गल्लां अजे भी, क्योंकि आत्मा की गल नू समझ नहीं पाते, अपने आप नू कंट्रोल नहीं कर पाते। कि नहीं पाते हो ओ, क्योंकि आत्मिक कानून और शरीरिक कानून दोनों का उन्होंने समझ नहीं है, क्योंकि उन्होंने को अगर है, अगर बीमार व्यक्ति है क्या, अगर वो शरीर तो जन्मया है तो बोलेगा मैं बीमार हाँ, बोलो किया हूं मैं, अगर वो शरीर तो जन्मया बीमार व्यक्ति, अगर वो शरीर तो जन्मया तो बोलेगा मैं बीमार हाँ, पर आत्मा तो जन्मया बोलेगा मैं नहीं हाँ, क्योंकि किदा सच है, बोलो किदा सच है, क्योंकि थोड़े दिन पहला मेरे ब्रदर इन ला उन्हों एक बीमारी आ बहुत जबरदस्त, डॉक्टर ने मतलब दसिया कि कुछ चांस नहीं, पलटा पलट भी सकता नहीं भी हो सकता, मैं कोई कुछ नहीं कह सकता। मैं डॉक्टर नू मिलिया, पर परमेश्वर महान है, बोलो की है परमेश्वर, परमेश्वर महान है, बोलो की है, बोलो। और जो तुम पाप तो अपने अंगीकार करते हैं, अपने पाप का अंगीकार अपने जीवन च मनते हैं, और फिर सानू कौन छुटकारा देंदा, कौन सानू बचाउंदा है, कौन सानू छुटकारा देंदा, और वो महान परमेश्वर है, क्योंकि हर मुश्किल में मुश्किल खुशा साड़ी खुशी कौन बनता है, और सानू एक नए सिरे तो जन्म लेना जरूरी है। बोलो, क्योंकि नए सिरे तो जन्म लेने का मतलब एया, चाहे मुश्किल चाहे कितनी भी वड्डी क्यों नहीं है, डॉक्टर चाहे कुछ भी क्यों नहीं बोल रहा, पेशेंट भावे कितना भी सीरियस क्यों नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ते उहदा कानून सानू दसदा कुछ भी नहीं है। बोलो, कुछ भी, पेशेंट चाहे कितना भी सीरियस है, डॉक्टर कुछ भी बोल दिया, पर तू ही आत्मा तो जन्मे हो, कादे तो जन्मे हो, आत्मा तो, तुम बोलो कुछ भी नहीं है, घबराओ नहीं, क्योंकि किदा कानून है, अगर शरीर तो जन्मे हो हाय रोवोगे कुरलाओगे, हाय हाय कौन बचाएगा, हाय हाय करोगे, क्योंकि शरीर से जन्मे, किससे जन्मे, शरीर से, शरीर से, पर आत्मा से जन्मे हो तो घबराओगे नहीं, क्योंकि आपको पता है परमेश्वर महान है, उसका कानून, उसका कानून ये है, क्योंकि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं जिसके उसके वादे जो हमारे साथ हैं सबके सब हां विच है, ना विच एक भी काम परमेश्वर ने नहीं किया कि मेरे को नहीं हो सकता, बोलो मेरे को नहीं हो सकता। लोग बोल दिया ना एहो जिया टेस्टमनी, एहो जिया गवाइया ने प्रभु के नाम दिया, जिन्हें लेडीज के
प्रॉब्लम दे करके यूट्रस बच्चे दानियां बाहर निकल गया और उन्होंने एक दिन किन्नू जानिया और किदे विच जन्म लिया एक नया जन्म पाया मसीह विच बिना यूट्रस बिना बच्चेदानी तो परमेश्वर बच्चा पैदा कर रहे हैं क्योंकि वो है इस तरह हुंदा या संसार विच बोलो हुंदा या पर किदे राज और किदे सच्चाई विच और किदे नाम दे विच हुंदा है पर नए सिरे तो जन्म लेना की है आवश्यक है जरूरी है जिच सारा कुछ हुंदा है असी शरीर तो जन्मे इसलिए हमेशा साडा मन सानू दोष लगांदा है की करदा या हमेशा मन साडा दोष लगांदा नहीं मेरा तो नहीं शायद मेरा तो नहीं फिर इंसान भजदा या भाई किथों होएगा मेरा तुहाडा सारा कुछ किहदे कोलों होएगा तुहाडा सारा कुछ किहदे कोलों होएगा तुहाडा सारा कुछ किहदे नाम दे विच होएगा और उहदे लई तुहानूं की करना पएगा एक नए सिरे तो जन्म लेना पएगा फिर शरीर दीआं गल्लां नूं तुहानूं छड्डणा पएगा की करना पएगा शरीर दीआं गल्लां नूं छड्डणा पएगा और किहदे प्रेम नूं अपने जीवन च लैणा पएगा क्योंकि प्रेम प्रभु ने कहा उत्तम मार्ग है बोलो प्रेम किया सब तो उत्तम मार्ग दुनिया का सब तो उत्तम मार्ग किया प्रेम है अगर प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं है बोलो अगर प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं है कुछ नहीं है ठन ठनाता करता या की है खाली आ खाली भांडे च आवाज आती है जरा आत्मा ते रूह दियां क्योंकि आत्मा तो भरिया आत्मा तो पैदा होया बंदा वो खाली नहीं है बोलो आत्मा तो पैदा आया बंदा खाली नहीं है जिदे अंदर प्रेम नहीं है वो ठन ठन करदा पित्तल है भांडा छन छन करदी चांस प्रभु ने कहा है खाली खाली भांडे चो आवाज आती है परे होए विचों क्योंकि अगर आत्मा तो परे हो कादे तो आत्मा तो परे हो आत्मा तो यह है साडा अभिषेक जिन्हों असी किदे कोलों प्राप्त करना बोलो असी किदे कोलों प्राप्त करना परमेश्वर तो प्राप्त करना और असं किस तरह प्राप्त कर सकते हैं अपनी प्रार्थनावां दे जरिए किदे जरिए अपनी प्रार्थनावां दे जरिए अपने जीवन दे उस पाप नू बोल बोल के परमेश्वर दे अगे रख के अपने हत्थां नू फैला के स्वर्ग दी वल बोलो अपने हत्थां नू किदे वल फैला के स्वर्ग दी वल फैला के किदे कोलों मंगांगे किदे कोलों मंगांगे और कौन साडी कटी नू पूरा करेगा कौन साड़ी गड्डी नू पूरा करेगा क्योंकि औखा कुछ भी नहीं है बाणी च लिखिया यूहन्ना दी पत्री च पढ़ो उहदे तीन अध्याय दे विच लिखिया प्रेम इस तो नहीं है कि असीं उहदे नाल प्रेम किया प्रेम इस तो नहीं है कि असीं उहदे तो प्रेम किया पर प्रेम इस तो आ कि उहने साडे नाल प्रेम तुसीं की किया इस जीवन लैण लई तुसीं किसे ने की किया बोलो किसे ने जीवन लैण दे लई की किया बोलो कोई हथ खड़ा करे जीवन लैण दे लई की किया दस पंजाह हजार लख रुपया दिता परमेश्वर नूं कि मैनूं जीवन मिल जाए किसी ने दिता दिता किसी ने कह लो दस हजार पंजाह हजार लख रुपया मैनूं जीवन चाहिए जी की चाहिए मैनूं जीवन चाहिए जीवन जीवन चाहिए दिता तो नहीं है क्योंकि किन्ने दिता तुहानूं किन्ने दिता तुहानूं परमेश्वर ने दिता और प्रेम इस तो नहीं है कि असी प्रेम कहता प्रेम इस तो कि उन्हें सानी नाल प्रेम किया इसलिए लिखा उसके जड़े हुक्म ने जड़िया उनकी आज्ञावान ने वह औखिया नहीं आ सौखिया है पर तुम शरीर विचो तो तुम नहीं कर सकते बोलो तुम शरीर विचो तो नहीं कर सकते अगर आत्मा चो तो करोगे तुहाडे कोल कुछ बचे ना बचे तुहाडे कोल अज आन लई कुछ है जां नहीं है किराया है जां नहीं है तुहाडे घर विच कुछ घर च है जां नहीं है अगर आत्मा तो जन्मे हो तो तुसीं किहदे हुक्म नूं किहदे गल नूं पूरा करोगे असीं हुक्म दित्ते हैं ना लेके तुहानूं सब दे कोल हुक्मनामा है जिहड़ा मैं दित्ता आ सब दे कोल है क्योंकि लिखिया हुक्म परमेश्वर कहिंदा इशदास यूहन्ना कहिंदा हुक्म औखे नहीं आ हुक्म उहदे सौखे आ पर कर नहीं सकदा कोई दुश्मन नू प्रेम कर सकदा बोलो कर सकदा है पर किदा हुक्म है दुश्मन नू कोई प्रेम करेगा बोलो करेगा
नहीं कर सकता, पर किदा हुक्म है, पर शरीर से जन्मा तो नहीं कर सकता, आत्मा से जन्मा तो वो करेगा, जो आत्मा से जन्मा वो करेगा करेगा, जो शरीर से जन्मा वो नहीं। यह है निशानी एक आत्मिक व्यक्ति दी। बोलो की निशानी है, एक आत्मिक व्यक्ति दी। वो किसी का बुरा नहीं सोचेगा, बुरा नहीं करेगा, वो दूसरे का की मंगेगा। लोग लोग संसार विच की मैं आम लोग गड्डियां बसां दे पिछे वेख्या, परमात्मा सब का भला कर, कहन दे नाल भला नहीं हुंदा कदी। बोलो लिख तो लिया कि परमात्मा सब का की करें भला करें, लिखन दे नाल नहीं हुंदा। बोलो पर किदी गल नूं समझन दे नाल भला हुंदा है। लोग लिखिया हुंदा है परमात्मा सब का भला करी, किसी के पैरों पिछे साडा भी की करी। ये खाली गल्लां ने, परमेश्वर दास पौलुस जी कहिंदे आ परमेश्वर का राज सिर्फ गल्लां च नहीं है, उहदी सामर्थ है, सामर्थ खाली गल्लां नहीं है, उहदी सामर्थ है, शक्ति है। जदों तुहाडे अंदर आंदा है उहदा ज्ञान आंदा है, उहदा प्रेम आंदा है, उच्च ताकत उहदी प्रकट हुंदी है। फिर जो तुसीं नहीं कर पाउंदे हो तुसीं करदे हो, क्योंकि तुसीं किहदे तों पैदा हो गए हो, किहदे तों पैदा हो गए हो, आत्मा से, आत्मा से। जब तक तुसीं शरीर विच हो ये गल्लां लिखण विच ने पर कर नहीं पाओगे। इसलिए परमेश्वर दास पौलुस कहना परमेश्वर का राज सिर्फ गल्लां च नहीं है, ज्ञान तो बहुत है, ज्ञान की कमी नहीं इस संसार विच। बोलो ज्ञान बहुत है परमात्मा का, पर ज्ञान जीवन नहीं देता। ज्ञान बहुत है, ज्ञान की कोई कमी नहीं है। बोलो पर तुसी अपनिया एक जगह ते लिखा तुसी शरीरिक अभिलाषा बिना उस आत्मा तो पाए बगैर तुसी रोक नहीं सकते। अगर तुसी आत्मा नू अपने जीवन च ग्रहण नहीं किया तो तुसी जड़ी अपनी शरीरिक लालसावां ने उन्होंने कदी नहीं रोक सकते, शरीरिक लालसावां नू कदी नहीं रोक सकते। एक विभ्याचारन एक विभ्याचारी व्यक्ति कदी अपने शरीर वाली चीज नू रोक नहीं सकता, यह आत्मा का कानून है। तद प्रभु ने कहा जो शरीर से जन्मा वह शरीर है और आत्मा से जन्मा आत्मा है। बोलो वो आत्मा है, समझ गया। वो कदी लड़ेगा नहीं, वो कदी झगड़ेगा नहीं, वो गुस्से नहीं होएगा, ये आत्मा दी निशानी है। यीशु मसीह नू कई लोगों ने बुरा भी बोलिया, की बोलिया, कई लोगों ने बोलिया तू नजायज संतान है, क्योंकि यीशु आत्मा जा आत्मा जा बोले नजायज संतान है, तेरा तो पिता भी पता नहीं कौन है। उन्हें गुस्सा आया आया उन्होंने गुस्सा, कि इन्हें पत्थर चक के यीशु मसीह को मार ले मारन की कोशिश की थी। बोलो पत्थर चके और मारन लगे, तद भी प्रभु को गुस्सा नहीं आया, क्योंकि आत्मा तो है, आत्मा तो कह दे तो हाँ आत्मा तो असी शरीर तो हाँ, इसलिए सारा कुछ है साडा। पर असी इन्होंने गलों कदी आके नहीं सीखते, सानू दसो जी मेरे जीवन च यह प्रॉब्लम है, मैं गुस्सा आता, मेरे जीवन चेता हों, मेरी आ चीज़ है मेरे जीवन चो, पता नहीं मैं चाहनी हाँ, मैं चाहना हाँ। एक जगह पर परमेश्वर दास बोलो जी इस जगह पर अगर रोम की पत्री 7 अध्याय विच पढ़ोगे, वो कहना मैं जो कुछ करना चाहना कर नहीं पाँगा क्योंकि मुझ में पाप बसा हुआ है। मैं चाहना तो हाँ, मैं चाहना तो हाँ मैं ये चीज़ करा पर कर नहीं पाँगा क्योंकि पाप मुझ में बसा हुआ है। और पाप तो आगाह होने के लिए सानू किदा वचन किदा जन्म लेना पएगा। बोलो किदा जन्म, फिर तुसी हर आज्ञा हर हुक्म हर इच्छा किदे अगे पूरी करोगे, किदे लिए पूरी करोगे, यही निशानी है। आत्मा तो जन्मे और शरीर तो वाले व्यक्ति दे लिए, और जो आत्मा तो जन्मिया व्यक्ति आ और डरेगा नहीं, वो हर गल विच विश्वास करेगा, की करेगा जिवें परमेश्वर दास दानियल, क्योंकि आत्मा तो जन्मे, आत्मा तो जन्मे व्यक्ति जो तीनों टाइम किदे अगे प्रार्थना करता सी, तीनों टाइम किदे अगे प्रार्थना करता सी, बोलो किदे अगे, कि आप लोग करते हो कौन कौन प्रार्थना करता, सब हथ खड़े गए, प्रभु तुहानू वेख रहे हैं, असीं हुणे उन्हें झूठदे शब्द नू सुनिया, जो प्रार्थना करते हो अपना हाथ खड़ा करो, सब करते हो हाथ हिलाओ जो करते हैं, प्रभु उन्होंने बहुत ज्यादा अगे वधाउन वाले हैं, बहुत अगे लेके जान वाले हैं, यही निशानी है। बोलो की आ
जो किदे अगे प्रार्थना करता किदे अगे अपने मन नु खोलदा ए आत्मा तो जन्मे व्यक्ति और शरीर तो पैदा हुए व्यक्ति दी निशानी है। बोलो की आए शरीर तो पैदा हुए और आत्मा तो पैदा हुए व्यक्ति दी निशानी है। इसलिए दानियल तीनों टाइम किदे अगे प्रार्थना करता सी और एक दिन उहदे सामने बहुत वड्डा हालात आया है। कि आया किसी ने फसाया जिवें अज भी लोग एक दूजे नूं फसा दिंदे ने फस जांदे ने इंसान पर आत्मा तो जन्मे बंदे नूं कदी कोई फसा नहीं सकता। फसाया तो जरूर क्योंकि दानियल एक सच्चा व्यक्ति सी और किदी आराधना करता सी किदे अगे रोज प्रार्थना करता सी तीनों टाइम घुटने टेक के किदे अगे प्रार्थना करता सी और एक राजे वल्लों एक किसी दूसरे प्रधाना ने जो दानियल दे नाल जलन रखते सी जलन क्योंकि दानियल दे विच किदा आत्मा काम करता सी तो दूसरे जलन रखते सी जलन कि ये पिछों लैके राजा इहदी तो ज्यादा इनू अगे कर रहा है कि कर रहा राजा इनू इस तो ज्यादा उन्होंने एक प्रधाना ने एक मता पकाया कि राजा चिर जीवे तू सदा तक जीवे तू लोगों का भला करना है देखिए लोग तेरे नाल कितने वफादार ने राजा की जीवे कि चिर इस तरह हिंदी तो लिखा चिरा और सदा तक जीवे कि जीवे तू सब प्रजा का लोगों का भला करदा देखिए लोग तेरे नाल कितनी वफादारी करदे ने की करदे ने। उन्हें आख्या राजा तीन दिन एक हस्ताक्षर एक लेख कि तीन दिन तक सवाए राजा तेरी महिमा तो अलावा जे किसी और देवी देवते की महिमा कर दे तो तू एक ऐलान कर कि उन्हें भुखे शेरां दे कुरने विच की किया जाएगा सुटिया जाएगा जिवें अज दियां सजावां तो अलग अलग तरीके दियां ना अजकल तो जेलां इस तरह और बहुत चेंज हो गई पर उस समय एक सजा सी एक कुरना एक शेर सुटे जाते वेचों दे वो भुखे रेंदे सी और जे कोई भी चुनाव कोई पाप करता है तो उन्होंने उत्थे सुटिया जाता से और लोग डरते से क्योंकि इस दुनिया च अगर इस तरह नहीं है जिवें अज अगर देश का कोई कानून संविधान नहीं है बोलो की हाँ तो लोग तो दिन दिहाड़े एक दूजे को मारी जाएंगे क्योंकि डर है देश के संविधान का की है डर है नहीं तो रोज कतलेआम मचा रहेगा। उस समय भी एक ऐसा कानून सी पर वो फसाया जा रहा सी दानियल की सी फसाया जा रहा तो राजे ने लिख दिता उते साइन हो गए कि तीन दिन तक सवाए राजा तेरे नाम तो किसी और देवी देवते का नाम लेगा वो भुखे शेरां च सुटिया जाएगा। पर दानियल एक सच्चा बंदा सी बोलो और वो इस गल नू भी सुन के बोलो तुई बिना तुहाडे सामने कोई कंडीशन नहीं है बोलो तुहाडे सामने कोई कंडीशन है जो प्रार्थना नहीं करते उन्होंने सामने कोई ऐसी कंडीशन है कि उन्होंने भुखे शेरां दे अगे सुटिया जाएगा उन्होंने फांसी लग जाएगी जेल के अंदर दिता जाएगा अगर वो प्रार्थना करनगे सच्चे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बोलो। पर दानियल के सामने एक बहुत वड्डी मुश्किल आ गई दानियल नू पता लगा कि राजे वल्लों ये चीज हो गई है पर दानियल अपने नियम दा पक्का सी बोलो दानियल अपने नियम दा वो फिर भी सुन तो बावजूद भी लिखिया उद्या जेड़ा जिस अटारी दे उपर उपरली जिन्हू चबारा भी बोलते हैं पंजाबी च वो उद्या खिड़कियां नू खोल के जो यरूशलम दे परमेश्वर दे एक सेंटर जिथे लोग सीखन लई आंदे सी उहदी वल खुलियां खोल के वो घुटने टेक के किदे अगे प्रार्थना करता सी वो फिर भी नहीं डरिया और उन्हें बंद नहीं कीतियां खिड़कियां वो उदा ही खोल के अपने परमेश्वर अगे प्रार्थना करता रहा की करता रहा अपने परमेश्वर अगे प्रार्थना करता रहा। और जो पता लगा कि दानियल ने राजे की गल नूं मन्निया राजा जदकि उन्हें प्रेम करता सी पर वो फसाया गया कि गया और आके उन्होंने बोलिया राजा उन्हें तेरी गल की कोई परवाह नहीं की और दानियल नूं लियांदा गया और कित्थे सुटिया गया शेरां दे कुरने विच बोलो भुखे शेर अगर कोई भी उत्थे सुटिया जांदा ही तो
जेड़ा भी व्यक्ति थले डिगदा ही शेर नूं इस तरह छलांग लगाउंदे ही उन्हूं इस तरह ही कोई लत्त कोई बांह खिंच लैंदा सी हड्डियां समेत खा जांदे सी। और जो दानियल सुट्टिया गया लिखिया शेर जिथे जिथे बैठे हुए सी उत्थे उत्थे बैठे रहे, क्योंकि दानियल कित्थों जन्मिया सी आत्मा तो समझदे हो। आत्मा तो जन्मे व्यक्ति की निशानी की हुंदी आ, आत्मा तो पैदा हुए व्यक्ति की निशानी मैं दस रहा है। अगर असी आए तो सारे हैं पर शरीर विच हैं, इसलिए तुम घबराउंदे हो क्योंकि आत्मा दियां गल्लां नूं आत्मा तो जन्मे नहीं और आत्मा दियां गल्लां नूं सिखदे नहीं। शेरां दे कुरने विच सुट्टिया और शेर लिखिया सुंघन तक नहीं आए इस तरह करके, क्योंकि वो उहदे नाल कौन सी और क्यों उहदे नाल सी, क्योंकि तीनों टाइम किहदे अगे प्रार्थना करता रहा। जबकि उहनूं इह पता लगा कि अगर मैं नहीं ये चीज़ बंद करांगा तो मैनू ये सज़ा दिती जाएगी, और फिर भी मैं कह रहा जिहड़े नहीं करते प्रार्थना परमेश्वर अगे उन्हां अगे कोई कंडीशन नहीं है, उन्होंने कोई शेरां अगे जां जेल विच जां फांसी का हुक्म नहीं है, वह फिर भी परवाह नहीं है क्योंकि शरीर तो जन्मे आत्मा तो जन्मया व्यक्ति कदी इदा नहीं है। वो खाना खाना पानी पीना भुल जाएगा पर अपने परमेश्वर अगे घुटने टेकन तो पहला वह कुछ भी नहीं करेगा, उन्हें इवें लगेगा जिवें मेरा कुछ खो गया है। ये आत्मा तो पैदा हुए व्यक्ति दियां निशानियां किहदे तो पैदा हुए, आत्मा तो पैदा हुए व्यक्ति दियां निशानियां, जो शरीर तो जन्मिया उन्हें कोई परवाह नहीं है। वो बोले कोई नहीं है, देखिया अस आत्मा तो पैदा हुए व्यक्ति दी निशानी। फिर वो गांदा है की करदा फिर किदां गांदा है, गाइए 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 मेरा यीशु यीशु 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 मेरा यीशु किसके लिए, किसके लिए गाएगा? जदों परमेश्वर दास पौलस और सिलास अपनी मुश्किल दे ली नहीं प्रभु दे कारण, किदे कारण? असी तो हर अपनी अपनी मुश्किल ली आए हैं, अपनी अपनी कटी ली, अपनी अपनी प्रॉब्लम दे ली आए हैं। परमेश्वर दास पौलस जी और सिलास लिखिया प्रभु दे करके फड़े गए, उन्होंने कुटिया मारिया, क्योंकि कि नाम की खुशखबरी दसते सी, कि नाम के बारे दसते सी, फड़े गए और जेल में बंद किया गया और अद्धी राती लिखिया गा रहे ने, क्योंकि आत्मा तो जन्मया रोंदा नहीं आ गांदा आ, आत्मा तो जन्मया रोंदा नहीं आ गांदा आ गांदा आ खुशी नाल रोदी खुशी, क्योंकि मुश्किल मेरी में मेरा मुश्किल खुशा कौन मेरी खुशी बनता। तो लिखे जेडे बेड़ियां जेडे बंधन जेडे संगल ना नाल उन्होंने बनिया सी बेड़ियां नाल वो टुट गई। आत्मा तो पैदा हुए व्यक्ति की निशानी, बोलो आत्मा तो पैदा हुए व्यक्ति की निशानी है वो बंधन टुट गए। जेडे अज जिवें लोग बंधना च तुम बजे हो, बोलो कि अपने बंधना च अपनी बीमारी के बंधन च अपने कारोबार के बिजनेस अपन कई चीजा दिया कटिया के बंधना च बचे हो, पर जो तुम कि महिमा गाओगे कौन थोड़े जीवन चाहेगा और पाप के सारे बंधन टुटन गए। बोलो पाप के सारे बंधन टुटन गए
और ये कदों टुटणगे जो तुसी एक नए सिरे तो जन्मोगे और किदी किन्नू प्रेम करोगे किन्नू प्रेम करोगे किदी आज्ञा मानू पूरियां करोगे क्योंकि जेड़ा शरीर तो पैदा व्यक्ति है उन्हें कोई परवाह नहीं उन्हें किन्ना भी सिखाओ किन्ना भी बार बार सिखाओ ए चीज इदा है जी ए हुक्म इदा आ इदा करियो इदा करियो की करियो किन्ना भी उन्हें चाहे सिखाओ वो नहीं करेगा ताई प्रभु ने कहा जिदे कान होन वो सुने जिदे कान होन सुने क्योंकि शरीर तो पैदा होया व्यक्ति नो कोई परवाह नहीं पर आत्मा तो पैदा होया व्यक्ति बहुत ध्यान करेगा बोलो और शरीर तो पैदा हुए व्यक्ति नु तुसी 100 वारी भी कहो नहीं जी परमेश्वर दा हुक्म है ओदा नियम है तुसी एदा करो ए नियम है ए आतरिया इस तरह चलो ए चीज करो वो नहीं परवाह करेंगे क्योंकि शरीर तो जन्मे इसलिए प्रभु ने कहा जो शरीर तो जन्मा वो शरीर है बोलो कि आज हो और आत्मा तो जन्मा वो आत्मा है और आत्मा तो जन्मा व्यक्ति किन्नु प्रेम करता है किदी हर आज्ञा किदी इच्छा नु पूरा करता है और किदा पैर रखता है यही यही फर्क जे बोलो कीजे यही फर्क जे और थोड़े समय बाद इस जगह ते परमेश्वर दा इन्ना वड्डा जलाल प्रगट होने वाला मैं तुहानू दस नहीं सकदा मैं प्रोफेसी करदा इस गल इन्ना वड्डा जलाल ओदी इन्नी वड्डी महिमा प्रगट होने वाली है पर उस जलाल उस महिमा दे लई एक मेरे उत्ते भी परमेश्वर ने एक बड़ी वड्डी जिम्मेवारी दित्ती आ जिन्नू मैं निभावांगा मैं जानदा मेरे लिए औखा आ पर मैं करांगा प्रभु दी महिमा दे लई और इस दुनिया दे जेड़े लोग नाश हो रहे ने शैतान जिन्हां दा जीवन नाश कर रहा आ मैं उन्हां दे लई करांगा ताकि सब परमेश्वर दी चाहत की आ बोलो की चाहत आ उस आत्मा दी उस परमात्मा दी की चाहत आ सब मनुष्य और मेरे सत दे ज्ञान तक पहुंचे मेरा सच्चा ज्ञान उन्हां दे अंदर आ जाए और तदे आएगा जो एक नए जन्म नु अपने जीवन तो एक नए सिरे तो वो जन्म लैन वो फिर वो कोई पाप नहीं कोई जुना नहीं करता कोई गलती नहीं करता कोई आज्ञा नहीं तोड़ेगा कोई नियम नू तोड़ेगा नहीं बोलो वो कोई आज्ञा कोई नियम नहीं तोड़ेगा वो हर चीज करेगा जो जो परमेश्वर नू लिख के देती परमेश्वर दास मूसा नू परमेश्वर ने एक सियोन नाम दा पर्वत दे उपर उतरिया और इजरायली लोकां नू दे लई परमेश्वर ने वो सारे हुक्म ते सारियां गल्लां दित्तियां की दित्तियां कि उन्होंने बोल ये सब चीजां करन कि करन वो सब चीजां करन और मेरा पैर रखन और मेरिया विधियां ते मेरे नियमां नू मनन और जो मैं कहना ओदा ओदा करन और जेड़ा करदा या वो बहुत अगे जाएगा उन्हें कोई कटी कदी अपने जीवन च उन्हें कोई कटी नहीं होएगी ये आत्मिक कानून है बोलो कि एक आत्मिक कानून पर शरीरक व्यक्ति ले ली ये आम गल्लां आ बोलो की आए और परमेश्वर दियां गल्लां कोई आम नहीं आ लिखिया सोने चांदी हीरे तो भी ज्यादा कीमती आ क्योंकि दाऊद जो आत्मा तो पैदा होया वो कहिंदा जदों मैनूं परमेश्वर दा वचन मिलिया की मिलिया जदों मैनूं परमेश्वर दा वचन जदों मैनूं मिलिया तो मैं इवें खुश होया जिवें मैनूं कोई वड्डी लुट दा खजाना मिलिया है बोलो की आमेन ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਹਰਸ਼ਿਤ ਆ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆ ਉਹ ਗਾਏਗਾ ਔਰ ਆਨੰਦ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੇਸ਼ੂ ਗਾਏਗਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੁਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਕੌਣ ਆ ਖੁਸ਼ੀ ਮੇਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ पर जो शरीर से जन्मिया उनु नहीं पता इस खुशी का जो आत्मा से जन्मिया वो जानता है वो लड़ेगा उस हालात नाल क्योंकि जानता है बोलो क्या हूं आत्मा तो व्यक्ति पैदा होया
इसे लिए परमेश्वर दास पौलुस जी ने इफिसियां दे लोगों नु कहा आत्मिक हथियार अपने जीवन च लै लो। आत्मा तो जन्मे हो तो आत्मा दी चीजां नु लै लो, जिहड़ा शरीर तो जमया हो शरीर दी चीजा पढ़ता रहिंदा है, आत्मा दी चीजा नहीं पढ़ता। आत्मा तो पैदा होया व्यक्ति आत्मा दी चीजा नु पढ़ेगा। परमेश्वर दास पौलुस जी ने इफिसियां दे लोगों नु समझाया कि साडी लड़ाई किसी इंसान नाल नहीं है, शैतान नाल आ। किहदे नाल आ? लिखिया उदिया जुक्तियां तो अनजान ना रहो। और कि पराक्रम कि शक्ति तकड़े हो वो और कि हथियार बन लो अपने जीवन च, क्योंकि आत्मिक व्यक्ति आत्मा दिया चीजा लेगा। और आत्मा दिया चीजा की है? विश्वास, मुक्ति दा टोप, परमेश्वर दा वचन जो एक तलवार आ, ये सब हथियार ने। टाल एक विश्वास, एक टाल मुक्ति दा टोप पालो और तैयार हो जाओ कि लड़न दे, क्योंकि आत्मा तो पैदा होया आत्मा दी चीजा नहीं लेंदा। पर शरीर व्यक्ति हमेशा शरीर दी गल्ला, बहुत फर्क है। बोलो कि आओ, बहुत फर्क है। परमेश्वर दास सुलेमान जो आत्मा तो पैदा होया, एक दिन परमेश्वर ने उन्हें अपनी अपने विच मेहनत की थी परमेश्वर नाल। अगर मैं उसके जीवन दे लई तुहानू अज खुल के दसा कि किवें उन्हें स्वर्ग की परमेश्वर दी वाल हाथ फैला के की गल्लां कीतियां, तुहाडे रोमते खड़े हो जाणगे। की हो जाणगे? जदों उन्हें स्वर्ग की परमेश्वर वाल अपने हाथों नूं फैला के वह प्रार्थना करता रहा, की करता रहा, की करता रहा? वो स्वर्ग की परमेश्वर दी वाल अपने हाथों नूं फैला के किहदे अगे प्रार्थना करता रहा? समझदे हो? परमेश्वर ने कहा मंग की मंगना है, की कर मंग की मंगना है। वो चाहता तो कहता मैनू 5 किलो सोना दे दो, इन्नी जमीन दे दो, इन्ना दे दो। वो कहना मेरे पिता दे राज गद्दी ते तू मैनू पहला ही बिठा दिता है, मैं और की चाहना। अगर देना तो इस प्रजा दे न्याऊ दे लई मैनू एक समझ ते की दे, एक बुद्धि दे, कदी ये चीज मंगो। परमेश्वर सुलेमान ने सिर्फ क्योंकि आत्मा तो पैदा होया व्यक्ति आत्मा दी गल्लां आत्मा दी चीजा मंगदा, की मंगदा है? कहिंदा देना तो की दे मैनू समझ और बुद्धि दे। परमेश्वर ने कहा तू चाहुंदा ते कुछ भी मेरे को मंग सकदा है ते मैं तेनू दे सकदा है। तू कोई सोना चांदी, कोई और, कोई जमीन, कोई है ना और चीजा संसार दियां नहीं मंगिया। अगर तू मंगिया आ ते तेन मैं विवेक भरी बुद्धि ते समझ भी दवांगा और प्लस तेनू ऐश्वर तन दौलत इन्ना ज्यादा दवांगा, तेरे वर्गा राजा ना इस दुनिया च होएगा ते ना कदी आवेगा। ते लिखिया सुने मान कोल इन्नी तन संपत्ति हो गई, इन्ना ज्यादा हो गया, उहदे कोल रखण लई जगह नहीं रही, क्योंकि कौन कर सकदा है? क्योंकि आत्मा तो पैदा होया व्यक्ति दी निशानी, आत्मा तो पैदा होया व्यक्ति दी। और शरीरिक बंदा हमेशा ही उम्र पर जूझता रहिंदा अपनी लाइफ नाल, अपनी जिंदगी नाल, छोटियां छोटियां गल्लां, छोटियां छोटियां चीजां ने। पर परमेश्वर महान है। बोलो की है? परमेश्वर महान है। पर तुसी आत्मा दी चीजां नूं मंगदे नहीं, क्योंकि शरीर तो पैदा होया। आत्मा तो पैदा हो हमेशा तुसी रूह दी गल्लां नूं मंगोगे। किदा अभिषेक, किदा मसा मंगोगे? बोलो किदा अभिषेक, किदा मसा मंगोगे? और जो तुसी मंगोगे वो तुहाडे जीवन च कौन काम करेगा? कौन काम करेगा? जो परमेश्वर काम करेगा तो कोई कटी रहेगी, कोई मुश्किल रहेगी? फिर तो ये गाओगे मेरी मुश्किल में मेरा मुश्किल खुशा, मेरी खुशी कौन बनेगा? मेरी हर मुश्किल विच मेरी खुशी कौन बनेगा? मेरी हर तंगी विच मेरे लिए कौन बनेगा? यहोवा दा मतलब किन्ने लोग जानते हैं? यहोवा दा मतलब जिहड़े हाथ खड़े करो जिन्हां नूं पता है। यहोवा दे नाम दा मतलब तुहानूं नहीं पता? बोलो की है? बोलो उच्ची बोलो। यहोवा दे मतलब दा नाम दसो, सब नूं दसो, उच्ची बोलो, मन नूं खोलो। बोलो की मतलब है यहोवा दा? मैं जिन्हों नूं पूछ रहा बस बोलो यहोवा दा मतलब दसो की है? शर्माओ नहीं, बोलो की मतलब है? अज क्यों व्यक्ति बार बार बीमार हुंदा है?
क्यों अपनी मुश्किल चो बाहर नहीं आता, क्यों उन्हें तंगी रहती है, क्यों बार बार उस परेशानी च जाता है, क्योंकि किसी गल नू नहीं लेंदा। मैं तां कहा ना, आत्मा तो पैदा होया व्यक्ति आत्मा दीयां चीज़ां नू फड़ेगा और शरीरिक व्यक्ति हमेशा शरीर दीयां चीज़ां ते मन लगाएगा। फर्क है, क्योंकि जो यहोवा है, बोलो किया, जो यहोवा है, अगर नाम का मतलब नहीं पता, किन्या नू पता है? दोबारा खड़ा करो, यही चीज है। क्यों परमेश्वर ने अपने सुलेमान दे द्वारा क्या, हे मेरे पुत्र मेरी तालीम मेरी शिक्षा नू की ना कर पुल ना, इनू कित्थे लेकर अपने हिरदे रूपी पट्टियां ते लेकर ते मेरी शिक्षा नू अपने गले दा की बना ला। जिहड़ा संसार दा हार आ उह पाए नाल कितनी खुशी हुंदी है, पर उह तुहानू जीवन नहीं दे सकदा, परमेश्वर दा वचन तुहानू जीवन दिंदा है। की दिंदा तुहानू? तुहने की किया, मैं बण जावांगा। अगर किसी दी अखां नहीं है तो की बन जाएगा? अगर डॉक्टर इलाज करदा, अगर ज्योति पिछों चलेगी आ, अगर हैगी आ तो इलाज करेगा, अगर पिछों चलेगी तो बोलो ये नहीं हो सकती, पर पिछों वाली ज्योति नू कौन ले आएगा? क्योंकि यहोवा है, उन्हें क्या मैं बने जावांगा, मैं अखां नहीं है तो थोड़ी अखां बन जावांगा, अगर थोड़ा अंग नहीं है तो मैं अंग बन जावांगा। ये जड़े बैठे ने जिन्हें मैं पूछ रहा, मैंने थोड़े दिन पहला दस रहे थे कि सर, मैं क्या प्रभु तेरे जीवन च काम कर रहा, कहते बड़े, कहते मैं अपनी बेटी नू बोल दिया तुसी गवाइयां क्यों नहीं लिखाते, कहते तुसी बोल रहे सी सारे दिन कि जिन्हां दे विंगे टेटे अंग ने वह सीधे हो जाने यीशु मसीह के नाम च, कहते मेरे इन्हां दे लत्त दे अंदर प्लेट पई हुई है जिदे कारण जिहड़ी इन्हां दी लत्त आ वह टेढ़ी हो गई सी। कोई भी जाके चैक कर सकदा आ, उस दिन प्रभु दे आत्मा ने छूया और टेढ़ी लत्त जिहड़ी विंगी हुई सी प्रभु ने की कर दिती आ, सिद्धि कर दिती आ। पुछो उन्हां नू, फिर भी परमेश्वर भला आ, एक विंगी लत्त टेढ़ी लत्त मैं बोल रहा और की कर दिती आ, सिद्धि कर दिती, क्योंकि कौन है? यहोवा है। मैं बन जावांगा, तुहाडे कोल कुछ भी नहीं आ, पैसा नहीं है तो कौन बन जाएगा, सोना चाहिए तो कौन बन जाएगा, जमीना जायदाद कारोबार चाहिए तो कौन बन जाएगा, पर उदे लैन तो पहला तुहानू शरीर नहीं आत्मा च जन्म लेना पएगा। की लेना पएगा? आत्मा च जन्मना पएगा, आत्मा च, क्योंकि शरीरिक व्यक्ति लिखिया परमेश्वर नू खुश नहीं कर सकता, शरीरिक व्यक्ति परमेश्वर नू खुश नहीं कर सकता। जो यीशु मसीह प्रचार करते सी, दृष्टांतां दे विच गल्लां करते सी, समझांदे सी, कादे विच? दृष्टांतां दे विच, वह दस के चले जाते सी, कहिंदे बीस बोन वाला निकलिया, कुछ पए ते डिग्गिया, कुछ पथरीली भूमि च, कुछ झाड़ियां च, वह दस के चले गए और कोई भीड़ विचों दा मतलब नहीं पुछदा की आ जी सानू दसो, वह जिदा आए और उदा ही चले गए। इदा ही हुंदा कदी कदी, शरीर तो पैदा होए व्यक्तियों की निशानी और आत्मा तो पैदा होए व्यक्ति की निशानी आ। चेले आत्मा तो जन्मे और पिछे पिछे जाते हैं, प्रभु तुम दृष्टांतों च गल्लां करदे सानू समझाओ। मैं तो बड़ा साफ साफ सीधा सीधा एक गल का तीन तीन वारी तुहानू समझाना है, प्रभु एक गल इको वारी समझाउंदे सी, की करदे सी इको वारी, पर शरीर तो पैदा होया व्यक्ति उस गल का मतलब नहीं पुछदे इहदा की है, सानू दसो जी। वो जिदा ही भीड़ सारी उदा ही चलेगी, जिदा ही भीड़ उदा ही चलेगी, पर जो आत्मा तो जन्मे हो पिछे पिछे जाते हैं, प्रभु जी सानू दसो इन्हों का मतलब। प्रभु ने कहा स्वर्ग के राज के भेतां की तुहानू तो समझ दिती गई है, पर फिर भी वह कहते सानू दसो इहदा मतलब की कर रहे हो सानू? छोटी छोटी गल ही इंसान परेशान है, क्योंकि शरीर तो पैदा व्यक्ति, समझ रहे हो? हुंदे दसो सानू इहदा मतलब। तुसी कदी पुछिया मेरे जीवन च प्रॉब्लम है जी, मेरे जीवन च घटी आ, मैनू ऐ क्यों नहीं है, मैं चेर हो गया, मैंने बपतिस्मा लैन, मेरे को पवित्र आत्मा का दान नहीं है, दसो जी मैनू की करना पएगा? जो पवित्र आत्मा का अच दान चाहती ने, जिन्ना लोगों ने बपतिस्मा लिया आ और जिन्ना ने नहीं लिया वो अपना नाम लिखवा। जार जी खड़े हो जाओ, इतने आ जाओ अगे, ये भाई जार जी ने, इन्हों तुसी अपना नाम लिखा, जिन्ह ने बपतिस्मा नहीं लिया वो अपना वह भी नाम लिखा, और जिन्ह ने लिया आ बपतिस्मा लिया और जिन्ह ने अजे तक पवित्र आत्मा नहीं पाया, जिन्हें अजे तक पवित्र आत्मा, मैं उन्होंने एक मीटिंग करांगा। की करांगा मैं? चाहे वह दो क्यों ना हो, चाहे चार क्यों ना हो,
मैं उन्होंने आवांगा और इसे पवन इतनी इस जगह से मीटिंग करांगे। जो चाहते ने आत्मा दिया गल्ला जो शरीर तो नहीं आत्मा तो पैदा हुए मैं उन्होंने मीटिंग करांगा जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया है और इस तक पवित्र आत्मा का दान नहीं पाया कि नहीं पाया पवित्र आत्मा का दान नहीं पाया और प्लस ये दो चीजा वाले जिन्होंने अज तक नहीं लिया बपतिस्मा और प्लस जिन्होंने लिया जिन्होंने अज तक पवित्र आत्मा का दान नहीं पाया अज ही इन्हों अपना नाम एड्रैस फोन नंबर तक सारा इन्हों तुसी देना ठीक है और प्लस जिन्होंने जीवन अजे तक मुश्किल ने प्रॉब्लम्स ने वो जा नहीं रही उन्होंने लिए भी मैं सगा ते मीटिंग करूँगा वह भी नाम लिखवा जिन्होंने जेडे छे महीने तो दो महीने तो महीने तो विश्वास कर रहे हैं साल तो कर रहे हैं पर उन्होंने जीवन च ये काम नहीं हो रहे मैं उन्होंने मीटिंग कराँगा बस तुम नोट कराना मैं तुम टाइमिंग दस दाँगा मैं कदों कराँगा थोड़े नाल बैठ के मीटिंग ताकि कोई भी इंसान अधूरा ना रहे कोई ना रहे कोई भी अधूरा ना रहे पर जो प्रभु नूं प्रेम करदे ने और जिहड़े आत्मा तो जन्मे ने वह जरूर आणगे जो आत्मा तो जन्मे ने वह जरूर वह आणगे और किहदियां चीज़ां नूं प्राप्त करनगे किहदियां चीज़ां नूं प्राप्त करनगे वह लैण और वह बहुत अगे जाणगे बोलो बहुत अगे जाणगे वह व्यक्ति अज दा वचन मैं चाहत करदा मैं विश्वास करदा कि जिन्होंने मन तो अज रिसीव किया ग्रहण किया प्रभु ने जिंदगियों नूं बदले उन्हां दी हर कटी नूं अज यहोवा जिन्हें कहा मैं आपे बन जावांगा वह आपे अज इस वचन के अनुसार तुहाडी हर मुश्किल तुहाडी मुश्किल का खुशा वो आप ही बने अजो आप बने अजो आप बने एक एक दिली बने मेरा यहोवा परमेश्वर तुहाडे लई आमेन हालेलुया 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 आमेन आओ असी अपने पीस नु बोवांगे पीस नु बोवांगे पीस नु बोवांगे अपने नु सब अपने पीस नु ले लो अपने हत्थां विच क्योंकि जो लोग बोंदे ने जो सच्चे हृदय तो असी अज मैं दसिया ना जो शरीर से जन्मा वो शरीर है जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है सुनो सुनो सारे अपने बीस नू अपने हत्थां च ले लो जागत क्योंकि यीशु दे लहू दी कोई कीमत इस दुनिया विच किसे संपत्ति नाल तुसी मिला नहीं सकते सुनो सारे ध्यान नाल सुनो पहला मेरी गल यीशु मसीह दे लहू दी कीमत तुसी किसे दुनिया दी संपत्ति नाल मिला नहीं सकते जिदे विच तुहानू जीवन मिलिया अपने कन्ना नू खोलो मेरी वल ध्यान करो कोई गल नहीं है सुनो सुनो सारे जिहड़ा शरीर तो पैदा होया व्यक्ति आ वह चीज नहीं कर सकता बोलो शरीर तो पैदा होया व्यक्ति ये चीज नहीं कर सकता पर आत्मा तो जन्मिया व्यक्ति ओहदे लई करेगा क्योंकि ओहदे हुक्म की आ औखे आ कि सौखे आ पर शरीरक व्यक्ति नहीं कर सकता उन्हें लगेगा नहीं मैं किदा करा बोलो बोलेगा मैं किदा करा बोलो मैं किदा करा ए क्योंकि उदा मन किथे है उत्थे है इसलिए प्रभु ने कहा अपना तन किथे इकट्ठा करो स्वर्ग विच जिथे शैतान की करता बिगाड़ता नहीं है नहीं तो चुरा के लै जाता है शैतान की है एक चोर दी न्याई चुरांदा है क्योंकि तुसी तुहानू पता नहीं है अगर आत्मा तो पैदा होए हो तो कदी तुहाडा वो तन चुराएगा चुरांदा कि नहीं चुरांदा किसी का बीमारी ते लगाउंदा किसी का झगड़िया च किसी का किसी कम्मां च कदी किसी का कम्मां च कईयां दे जवान बच्चे लड़की लड़का चले गया हो गया वो पुठे कम्मां विच पैसा लग गया चलो जी ये कम ने शैतान दे कि ने जां लड़ पे जा और किसी काम च जा नशे नशे विच भी कईयां दे बच्चे नशे च पै जांदे ने ओ जिस तन नूं प्रेम करदे ओ तन की करदा ओ जाड़दा है पर तुहाडा परमेश्वर आबाद करदा है तन बरकत देंदा है पर शरीर विच पैदा होया व्यक्ति नहीं समझदा पर आत्मा च पैदा होया व्यक्ति समझेगा की करेगा
आत्मा तो पैदा होया व्यक्ति की करेगा, वो समझेगा और सब तो पहला स्थान अपने जीवन का किन्नू देवेगा, बोलो किन्नू देवेगा, क्योंकि आत्मा तो पैदा होया व्यक्ति अपने जीवन च किदा डर किदा पैर रखता है। आज पता लगा आत्मा तो पैदा हुए व्यक्ति की निशानी, आज क्यों लोग फलवंत नहीं हो रहे, क्यों इतनी तेजी दे नाल जीवन अगे नहीं जा रहा, क्योंकि रूह दियां गल्लां आत्मा दियां गल्लां नूं समझते नहीं, जीवन लैन तो आए ने। बोलो जो नमान कोड़ी चंगियाई लैन लई आया परमेश्वर दास अलीशा दे कोल, पढ़ के देखो किन्ना कुछ लैके आया, किन्ने किन्ने लिखिया तोला चांदी कपड़ा और गहना, क्योंकि कोड़ी सी किसी हो राजे दा सेनापति और कोड़ी सी और परमेश्वर दास अलीशा दे लियो वो खुशी दे नाल कदे लई खुशी नाल ओदी खिदमत नूं देन दे लई इन्ना कुछ लैके आया। बोलो की लैके आया, लैके आया समझनिया, असीं की लैके आंदे समझनिया, पर एक मन जो असीं किहदे लई बोलने आ, अज असीं किहदे लई बोलने, बोलो किहदे लई बोलने आ, ताकि किहदा कम वधे किहदा राज वधे। बड़े सारे कम ने जिहड़े अधूरे ने, बोलो की ने, किसी ने नहीं चाहिया साडियां यह जड़े असी चाननियां लगाने ने इत्थे फटियां फटदियां जा रही आ बुरी तरह, इतने बच्चे बन बन इतना टोटे टाटे करके लगाते पे ने, की करते पे ने, एक जगह पर परमेश्वर ने कहा मेरा भवन उजाड़ पिया आ, तनु अपने अपने घर वाले छत्तों की की चिंता आ, अपने अपने घर की चिंता की आ, तनु बोलो चिंता आ, और मेरा भवन की आ नहीं आ, तो तुसी जाके केड़ी पुस्तक आ हैगे दी पुस्तक जाके पढ़ना, परमेश्वर दास बिक्ष हैगे उस तरह दादा कहना मेरा परमेश्वर का भवन उन्हें क्या उजाड़ पिया, तो अपने अपने घर की किया तुम चिंता आ, बोलो किया पिछले दिन ही इतने कई चीज़ा कारण इन्होंने मैं कल क्या मतलब तुसी वास लगाओ रो चाननी और उच्ची करके बनो ताकि बारू हवा आए, कई चीज़ों के कारण और असी कुछ भी जिन्ना भी कुछ इतने इकट्ठा होंदा आ जो कुछ भी आ असी इस संडे हर संडे इस हफ्ते दे विच कम से कम असी 6-7 हज़ार रुपए का खर्च किया, फिर तो हर हफ्ते विच कुछ ना कुछ की आ रहा है, कुछ ना कुछ असी कर रहे हैं और कई चीज़ा अरे कई सारिया साडे उत्ते कर्जा भी आ जिहड़िया असी कुछ लोन दे टाइप प्रभु दी महिमा दी चीज़ा लईआं ने, लोन लिया लोन ते लै लिया ताकि किहदा राज वधे। अज असी गाने तो हाँ खुशी नाल करते हैं पर जो अपनी वारी आती है करन दे लई फिर असी मन नूं की करते हैं पिछे करते हैं, और कभी किसी ने कहा जी सानू दसो जी असी की करिए, बोलो परमेश्वर कभी भी किसी दा लेंदा नहीं है, अगर तुसी शरीरिक हो तो तुहानू लगेगा मेरा घटदा आ, अगर मैं तुहानू हुणे वचन खोलना और तुहानू पढ़ावा वो वचन च दसदा परमेश्वर दास बोलस कि पहला 20 वाले नूं की दिंदा 20 फिर भोजन दे लई रोटी, पहला जिहड़े तुसी पौंदे हो उहदे लई तुहानू 20 दिंदा आ, जिहड़ा तुसी पौंदे उहदे लई उह पहला तुहानू उह तुहाडा वापस दिंदा आ, नहीं आ तो क्योंकि आत्मिक हो आत्मा तो जन्मे हो तो आत्मा की गल नूं समझोगे, अगर शरीर तो जन्मे हो तुहानू बोले हैं मेरा तो घट गया, मेरा तो 20,000 तो मेरा तो 18 रह गया, मेरा 50,000 तो मेरा 45 रह गया है, कि रह गया मेरा तो 20 तो 18 रह गया, मेरा तो 10 तो 9 रह गया, मेरी तो रकम खराब हो गई है। मैं सच्ची गल कहना कईयों नूं अजीब जा लगेगा एक कदा बोलते हैं, क्योंकि मैं आत्मा दियां गल्लां दसदा है, बोलो कि दादा मैं आत्मा दियां गल्लां ये आत्मा की चीज दस रहा मैं, और जो आत्मा की चीज नूं ग्रहण करेगा वह बहुत अगे जाएगा, बहुत अगे जाएगा, बहुत अगे जाएगा, मैं सच्ची कह रहा, क्योंकि लिखा 20 बोन वाले नूं पहला 20 देंदा फिर उहदे भोजन दे लई रोटी, पहला जिहड़ा तुसी बोंदे हो कदी कोई किसी का लैके नहीं रखता, मैं गवां आ, और जो जो लोग करते ने वह गवाह ने, जिहड़े जिहड़े करते ने वह गवाह ने, इसलिए बुनिया आओ चानण दे कि उस जगत का सच्चा चानण कौन आ, इस जगत का सच्चा चानण कौन आ, क्योंकि लोग हनेरे विच ने तद परेशान ने, जीवन लैण दे लई अपने पैसे नूं बड़े खराब करते ने, अपने जीवन नूं पाउण दे लई उन्होंने बड़ा कुछ किया बड़ा पैसा खराब किया पर जीवन फिर भी मिलिया
जो परमेश्वर की सच्चाई में आते तो शैतान नहीं करन देगा। मैं सच्ची कहना है क्योंकि मैं आत्मा तो जन्मा और मैं जानता हाँ तनु नहीं करन देगा वो, क्योंकि जानता है करनगे तो बहुत ज्यादा बलवंत बहुत ज्यादा आशीष हो जाएंगे। की हो जाएंगे इन्हों को जिन्ना है उन्होंने तो कई गुना ज्यादा हो जाएगा, पर तनु करन नहीं देगा क्योंकि मना। इसलिए परमेश्वर दास कहता हर एक उच्ची गल जो मसीह की पहचान के विरुद्ध उठती है मैं उसका खंडन करता। की करता? मैं उन्होंने खंडन करता, खंडन बन नहीं देता। कि नहीं देता बोलो, मैं बन नहीं देता। यही फर्क जे शरीरक व्यक्ति और आत्मा दे तो पैदा हुए, शरीरक और आत्मा तो पैदा हुए व्यक्ति का फर्क डिफरेंट ये है। डिफरेंट के नाल ही डिफिकल्ट भी है, मुश्किल भी है, अख्याई भी है, प्रॉब्लम भी है। समझते हैं वो क्यों है? क्योंकि समझते नहीं कि गल, और जो समझेगा वो पाएगा। इसलिए जो तुम बोंदे हो तन कौन बीज देंदा? सब तो पहला कौन देंदा या? पर शरीरक व्यक्ति चाहे उन्हें किन्ना भी समझाओ वो नहीं वो गल मनेगा। मैं जानता है, और आत्मा तो पैदा होया व्यक्ति, आत्मा तो पैदा होया व्यक्ति बहुत जल्दी अपने मन को खोलेगा और किदे लिए करेगा? बोलो किदे लिए करेगा? परमेश्वर लिए करेगा, क्योंकि मेरा वचन नहीं है। बोलो मेरा वचन मेरा नहीं। इसलिए परमेश्वर पौल कहते हैं तु मनुख का समझ के नहीं लिया, तु परमेश्वर समझ के लिया, इसलिए बहुत प्रभावशील होया। क्या तेरे लिए? इसलिए अपने बीस नू अपने हत्थां विच ले लो। टाइम मिलिया तो तुम्हें मैं किसी दिन तुहाडी आशीष तुहाडी बरकत ली जिन्हों जेड़े बेचारे कहते हैं कि साडा सानू असी इन्ना कमाने हाँ पर साडा की गल आ, वो घटदा ही आ वाधा नहीं है। मैं कि टाइम मिलेगा परमेश्वर जिवें मौका देगा फिर मैं तुहानू सिखावांगा, पर फिलहाल तुसी इन्ना अच रखो शरीर और आत्मा तो पैदा हुए व्यक्ति की निशानी है। क्यों किदे लई करेगा? क्यों किदा हुक्म है? सो आप अपनी अखां बंद करो, अपने बीस नू हत्थां विच लै लो, अपने बीस नू अपने हत्थां विच लै लो। जो भी लोग अपने टाई अपने दशमांश परमेश्वर लई बोंदे ने अपनी अखां बंद करो। सामर्थी प्रभु तू महान परमेश्वर, मेरे पिता जीवत परमेश्वर, जलाली परमेश्वर, एक ही कुत्ते तेरा जलाल आए मेरे परमेश्वर, एक ही कुत्ते तेरा जलाल आए मेरे परमेश्वर, एक एक व्यक्ति परमेश्वर तेरिया रूह और आत्मा दी गल्लां नाल भर जावे मेरे परमेश्वर। अज इन्हां नूं एक नया जन्म के द्वारा परमेश्वर अज पैदा कर, अस इस बीज के द्वारा भी परमेश्वर इन्हां दा एक नया जन्म होए ताकि तेरे राज ते तेरे भले कमां लई परमेश्वर बो पाउण, इन्हां नूं बोन वाला मन दे परमेश्वर, क्योंकि तू कभी भी किसी व्यक्ति का लैके रखन वाला नहीं परमेश्वर, तूनू चौगना करके वापस देने वाला सामर्थी परमेश्वर, तेरी सामर्थ का हथ इन्हां दे उत्ते आए। तुसीं कहा मेरा हथ छोटा नहीं है कि मैं तुहानू बचावा ना, कि मैं तुहाडी घटी नू पूरा ना करा। सामर्थी परमेश्वर अज एक कुत्ते तेरा सामर्थ हथ ठहरे, हर अंधकार की शक्ति का चूहा इन्हां दे उत्ते टुटे, हर बोझ का चूहा इन्हां दे उत्ते टुटे, तेरी आत्मा का अभिषेक इन्हां दे जीवन च आए। अज समस्त बुद्धि आई परमेश्वर, अज दे बीज दे विच परमेश्वर इन्हां दा मन खुले, दिल खुले और आशीषां ते बरकतां नाल इन्हां नूं परमेश्वर माला माल कर मेरे परमेश्वर, ताकि तेरे रास दे लिए बोन ते तेरे कोल बहुत सारा कटन। यीशु मसीह मैं तेरे जीवत ते पवित्र नाम च मंगदा हां, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो ठीक है, असीं इस वर्शिप सॉन्ग दे द्वारा अपने बीज नूं बोवांगे। हले 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 जीदा हौसला हल हल जीदा हौसला बल जिसदा
ਕਿਆ ਬੋਲੋ ਜਿਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹਦਾ ਬਲ ਕਈ ਤੀਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਈ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਾਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੋਲੋ ਬਤਾਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਤ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਯਹੋਵਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਅਤ ਮਹਾਨ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਆ ਜੋ ਅਤ ਮਹਾਨ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠਾਂ ਜੋ ਵਸੇਗਾ ਉਹ ਟਿਕੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਭਲਾਈਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਦਾਖਲਤ ਆ ਔਰ ਜੋ ਟਹਿਣੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਚਾਂਗਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਔਰ ਫਲੇ ਔਰ ਵਧੇ ਔਰ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਅਸਲੀ ਇਸੇ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹਾਂ ਕੀ ਗਏ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਬੋਲੋ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਲ ਕੀ ਹੋਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਚਿਆ ਬੋਲੋ ਕੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਿਆ ਆ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਿਆ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋਗੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਕਿਹਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬੋਲੋ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਵਚਨ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅੱਜ ਲੰਬਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨਮੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਥਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਟੈਸਟਮਨੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਅੱਜ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਟੈਸਟਮਨੀ ਵੀ ਵਚਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਆ ਜਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਆ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਸਟਮਨੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਲਿਖਾਈਆਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਆ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਲਿਖਾਈ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਬੋਲੋ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਅਗਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਠੀਕ ਆ ਆਓ ਅਸੀਂ ਚੌਕਸ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟਮਨੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀਰਾ ਆ ਔਰ ਨਾ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਅਜੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ 30,000 ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਤੋ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਹੀਲਿੰਗ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੈ ਬੋਲੋ ਕੀ ਆ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੈ ਉਸਕੀ ਮਹਾਨਤਾ ਕੇ ਲੀਏ ਹਮ ਉਸਕੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਕੇ ਸਾਥ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੇਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਔਰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਰਜਿੰਦਰਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਦੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਗਿਲਟੀ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ
जो ये सत्संग चाहे और प्रेज थोड़े द्वारा में ऑयल मसा दिता गया तो प्रेज इन्होंने ऑयल लगाया तो जो गिल्टी से कहें कि उस तो परमेश्वर ने इन्हों फ्री कर दिता यीशु मसीह के नाँ च और इन्हों की सैकेंड टेस्टिमनी आ कि इन्हों के ब्रदर से जो कि उन्होंने दाड़ दें मास वध गया सी और उन्होंने को में रोटी भी नहीं सी खाधी जाती तो जो रब के सेवक आ उन्हों को इन्होंने प्रे करवाई तो कहें कि उस दिन ही जो मदे मास वध्या उस दिन ही उस समय वह बहर आ गया तो इन्होंने गवाइया लिए यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं यीशु के नाँ च जोर से तारीफ करेंगे प्रभु की महिमा दिल से और मन से तो प्रेर जी इन्हों का नाम मलकीतिया और बजू मान तो आए हैं दसते पे ने कि इन्हों की ये वाली बेटी के गले में दो गिल्टियां सी बहुत वड्डियां और ये तो सत्संग खत्म होया तो जा रही थी लेकिन इन्हों याद आया तो इन्होंने बोलिया भाजी इस तरह मतलब कि प्रेयर कर दो तो इन्होंने बोलिया तो इन्होंने मैं बोलिया कोई गल नहीं पहले क्यों नहीं इस तरह रिसीव किया तो इन्होंने मैं बोलिया कोई गल नहीं परमेश्वर तुहाडे लई कर चुके और इन्हों के गले के उपर हाथ रख के कमांड किया और दसते पे ने बहुत ज़्यादा दर्द होंगी सी और खाण पीन में भी बड़ी प्रॉब्लम आती सी तो इन्होंने मैं बोलिया जाओ यीशु के नाम चाज तो फ्री जे परमेश्वर तुम चंगा कर चुके ने कोई भी शक ना करो और ये दसते पे ने जो घर गए तो परमेश्वर ने दोनों गिल्टियां तो आजाद कर दिता यीशु मसीह सामर्थ जी का नाम दे जोर से तारीफ करेंगे प्रभु के लिए चंगा करने वाले परमेश्वर के नाम के लिए दिल से मन से उसकी जितनी भी तारीफ की जाए उसकी कम है तो महिमा के योग है तो प्रेरित जी इन्हों नाम मन्नत या तलवंडी नार तो आए हैं और इन्होंने दसिया कि अज सवेरे जो ये सत्संग ते आ रहे थे तो मैं ट्रेन में अचानक ये पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया और कहते कि ये मम्मी भी दसते पे से कि इन्ना ज़्यादा दर्द सी ये को चलिया भी नहीं सी जा रहे जो रस्ते चाह रहे थे जो सत्संग पहुँचे और जो रब के सेवक आना इवें मिले और उन्होंने इन्हों छूए तो कहें उस समय इन्हों की दर्द बिल्कुल दूर हो गई और उन्होंने पता भी नहीं कि इस बेटी के में दर्द हो रही आ और कहें कि परमेश्वर ने मैंने उस दर्द तो सवेर ही आजाद कर दिता यीशु मसीह के नाँ च सच है बोलो इस तरह हुंदा नहीं बोलो अगर कोई इंसान परेशान है मुश्किल च है तो बिना मेडिसन तो वह चंगा पर कि राज ते कि सच्चाई विच इदा हुंदा या कि सच विच हुंदा या सुनदिया ही वह इंसान की हो जाता आजाद हो जाता क्योंकि आजाद करने वाला परमेश्वर साढ़े साथ या योर से तारीफ करेंगे दिल से तो प्रेर जी इन्हों गुरप्रीत और पिंड नवीपुर तो आए ने दसते पे ने कि इन्ह की बेटी के पेट में दो महीनों तो दर्द हो रहा सीगा और बहुत सारी मेडिसिन तो ले लेकिन आराम नहीं आ रहा सीगा तो जो पिछले हफ्ते अनाइनिंग तेल सीगा तो इन्होंने विश्वास किया वो और लैके गए घर इन्होंने अपनी बेटी दे लगाया तो उस दिन तो परमेश्वर ने इन्होंने पूरी तरह आजाद कर दिता पेट की प्रॉब्लम का भी आजाद किया और कमर में भी जो दर्द रहा उस तो भी आजाद कर दिता यीशु मसीह के नाम के तो ये भी दसते पे सी कि इन्हों रात को सौन टाइम बहुत गलत सुपने आते और जो रब के दास के मुख तो हीलिंग हुई कि जिन्होंने गलत सुपने आते हैं रात को और यीशु के नाम चज फ्री हो रहे हैं तो इन्होंने रिसीव किया और परमेश्वर ने आजाद कर दिया यीशु मसीह के सामर्थ के नाम में तो प्रेरित जी इन्हों अमनदीप या सोईया पिंड रहने वाले आ और इन्होंने दसिया कि परमेश्वर जी ने इन्हों जॉब दी आ और उस जॉब के लिए परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं और जो इन्हों जॉब मिली सी तो कहते मैं जाना स्टार्ट किया तो अचानक इवें इन्हों जीवन में एक कंडीशन आ गई कि जो इन्होंने शुरू किया जाना तो कहते मेरा कभी बीपी लो हो जाते कभी वॉमिटिंग शुरू हो गई और बहुत ज़्यादा कहते भी मैं बीमार होना स्टार्ट हो गई और उस जॉब से इन्हों का मन भी नहीं लगता कहते मेरा मन करता सी कि उत्थे मैं भज के आ जावी कुछ भी ना करा और प्रेर जी इन्होंने तुम्हें दसिया और थोड़े द्वारा परमेश्वर जी ने इन्हें प्रे की और कहते उस दिन तो ही परमेश्वर ने मैनू हील कर दिता और उस जॉब से इन्हों का मन भी लगना शुरू हो गया वा और एक गवाही कहें कि मेरे जीवन की बहुत वड्डी आ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन से यह वड्डा मराइकल किया वा और सैकेंड टेस्टमनी इन्हों की सिस्टर की आ कि इन्होंने दसिया कि इन्हों की सिस्टर जो वा ट्रीलियम में जॉब करती सी
और उत्थे उन्होंने दस किया गया कि उन्होंने भी जो उन्होंने सैलरी है इस बार बहुत घट दी जाएगी क्योंकि उत्थे उन्होंने जो उन्होंने एवं ट्रीडियम जो उन्होंने टारगेट से उन्हें 60,22 लाख का सी जो कि उन्होंने इवें पूरा नहीं सी हो रहा तो उन्होंने दसिया कि सारे स्टाफ में इवें उन्होंने पे बहुत घट मिलनी आ तो इन्होंने सिस्टर ने कहा कि इवें मैनू इस बारी 7,000 ही मिलने आ तो इन्होंने बोलिया कि मैं परमेश्वर को जानती और इन्होंने विश्वास किया परमेश्वर से और जो उन्होंने पे मिली तो परमेश्वर ने उन्होंने 10,500 रुपया पे दी कितने वो बोलती सी कि मैं 7,000 मिलने आ तो कि पर कहते कि जिमें मैं परमेश्वर से विश्वास किया परमेश्वर ने उवें साढ़े जीवन से काम किया और इन्होंने गवाइया यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद कर दे। और एक संग क्योंकि बहुत कुछ प्राप्त करूँ परमेश्वर को किमें प्राप्त किया जाता थोड़े दिन पहला असं इस बच्ची की टेस्टमनी सुनी सी सुनी कि नहीं सुनी इन्हें प्रभु दे उस भले कमां लई उहदे राज दे लई वधन दे लई जदके इस बच्ची की मदर की डैथ हो चुकी आ इहदे पापा ने और कोई औरत की उहनां दे नाल कोई संबंध नहीं रखता अपने दादा जी नाल रहिंदे ने एक इहनां दा ब्रदर आ उह भी प्रभु दा जीवन भी बदल चुके ने और ये दोनों सिस्टर मेहनत कर दियां ने पिछे जे इन्हें लोन लेना सी किसी काम लई घर बनाउण दे लई और लोन मिले नहीं इन्हें बहुत चाहती कि वह लोन मैनू मिले और जिन्ना भी लोन होएगा उस मैं सब तो पहला कि आदर करा क्योंकि लोन कमाया नहीं है लै रहे हैं जिन्हें किस्त दे लोन कमाया नहीं है कई लोग अपने कमाई तो भी कि आदर नहीं कर रहे ये बोली कि जे मैं लोन मिल गया तो मैं सर उस लोन चो सब तो पहला कि आदर करा पर लोन मिलया नहीं बोलो परमेश्वर जान लोन मिलिया नहीं इन्हू और उस तो बाद एक कमेटी पाई और इन्हें एक वादा किया कि परमेश्वर मैं तेन देना सी की देना सी तेन उस चु मैं देना सी और इन्हें एक कमेटी चुक के तो सारी कि देती फिर सारिया बरकतों के शीशा लिखिया कि पिछे आदियां समझने घाटे साढ़े कौन पूरे करता है कदों होंगे ने जो असं उसके राज नू समझते हैं और आत्मा और शरीर से जन्मे की निशानियां आत्मा तो जन्मा और शरीर तो पैदा होए व्यक्ति की निशानी समझते हो ये बेटी ने अच है ना मां की डैथ हो गई आ पिता किसी अलग औरत नाल रहिंदा और इन्हां दे जुम्मे ते आ फिर भी अपना मेहनत का पैसा कि बो रहे हैं और इस बच्ची कोई काम नहीं सी इस तरह ही कर दी सी अज नू बड़ी आसान वधिया ते हल्की जॉब किन्ने देती है बड़ी शांति ते बड़ी आराम वाली कोई बोझ नहीं है ताही तो प्रभु ने कहा बोझ तले दबे लोगो मेरे पास आओ कि आओ ते वो हल्का जीवन दे और कौन देंदा है सिर्फ सच्चा सर्वशक्तिमान जिदे लई तुसीं जुड़दे आत्मा तो पैदा होया व्यक्ति और शरीर तो पैदा हो व्यक्ति की निशानी इसलिए आशीषा ते बरकतां हमेशा दास दाऊद कहिंदा शेर दे बच्चियां नू काटा पै जाएगा पर मेरे ताले मेरे खोजियां नू को काटा नहीं। जोर से तारीफ करेंगे प्रभु के नाम की दिल से मन से अपने हाथों नू हलांदे होए तो प्रेर जी इन्हों का नाम राजबीर और 88 फुट रोड तो आए ने इन्हों की मम्मा की गवाही है कि उन्होंने हत्थों पैरों उत्ते बहुत ज़्यादा सोज पै जाती सी और इन्हों की मम्मा इतने गाड़ी आए तो ढाडे मुख तो परमेश्वर ने बोलिया कि जाओ घर जाने तो पहला पहला सारी सोज लत जाएगी तो ये रिसीव करके गए तो दस रहे थे ज्यों ज्यों असी साडा घर लागे आ रहा त्यों त्यों सारी सोज हौली हौली लत रही सी और जो ही घर वढ़न लगे उस तो पहला ही परमेश्वर ने सारी सोज तो आजाद कर दिता यीशु मसीह के नाम के तारीफ करांगे जोर से मन से तो इन्हां दी सिस्टर नू एक नू खांसी सी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सी तो ये सिस्टर ने उन्हां उपर प्रार्थना की और परमेश्वर ने आजाद कर दिता यीशु मसीह के नाम विच बस अज असी नहीं
जिन्हां दी गवाही जिन्हां ने लिखाई आ बोलो की आ नैसंडे उन्हां दीआं ही सब तो पहला जिन्हां दीआं रह गईआं असीं उन्हां दीआं गवाहियां सुनांगे क्योंकि असीं और अज गवाहियां ताज़ा गवाहियां देण वाले हाँ किन्ने लोग विश्वास करदे किन्ने लोग विश्वास करदे ने वह असी गवाहियां संडे देवांगे और असी हुने हुने अज ताज़ा गवाहियां देण दे लई तैयार हो जाओ किन्ने लोग तैयार ने किन्ने लोग तैयार ने बोलो किन्ने लोग तैयार ने जो तैयार ने हाथ हलाउण जिहड़े अपनी गवाही देण लई तैयार ने जिहड़े बोले मेरे परमेश्वर महान आ मेरा परमेश्वर महान आ हुने हुने मेरे मन के विचारां ते मेरे ख्यालों तो मैनू फ्री करेगा मेरे बोझ तो मैनू अजमुक्त करेगा मेरी परेशानी मेरी दर्द मेरी हर उस सोच तो मेरे हर अंदर दे रोग नू आज परमेश्वर अभी की करेगा खत्म करेगा आज तो मेरे हर बंधन कौन खोल देगा कौन खोलेगा मेरे जीवन दी हर आशीष आज कौन मेनू देवेगा खड़े हो जाओ कोई एक अंतरा बोलो कोई बढ़िया नहीं और बोलो कोई और बोलो कोई चंगा आइडिया सिर्फ 5 मिनट सिर्फ नहीं सिर्फ 5 मिनट बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के नाम से बंधन टूटेंगे यीशु मसीह
से आज वो आजाद हो जाएंगे, वो छूट जाएंगे, आजाद हो जाएंगे, क्योंकि आजाद करने वाला परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। चमत्कार को लेने के लिए, अपने छुटकारे को लेने के लिए, कुछ छुटकारा देने वाला परमेश्वर हमारे बीच में। अगर आप तैयार हो, अपनी आंखें बंद करो, अपने हाथों को वाइब्रेट करो और प्रार्थना करनी शुरू करो। बोलो, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज मेरे दुख को ले, मुझे आजाद कर, मुझे चंगा कर, मुझे फ्री कर, मेरी हर मुश्किल को मेरे जीवन से दूर कर, मेरी मुश्किल को दूर कर मेरे परमेश्वर। मेरे अंगों में बैठी बीमारी, मेरे अंगों में बैठी बीमारी आज यीशु मसीह तेरे नाम से बाहर आ जाए। मेरे अंगों में बैठी हर एक बीमारी आज मेरे जीवन में बाहर आ जाए। हर वो क्रोध की आत्मा, गुस्से करने वाली आत्मा आज यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन से मैं बाहर करता हूँ, मैं आपके जीवन से बाहर करता हूँ। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आज मैं हर दुष्टानी आत्मा के ऊपर परमेश्वर के मसीह को देता हूँ, उसकी फायर को स्वर्ग से देता हूँ। आपकी प्रॉब्लम पे, आपकी मुश्किलों के ऊपर मैं परमेश्वर की फायर को स्वर्ग से देता हूँ। एक एक के ऊपर मेरे परमेश्वर की फायर आपके ऊपर आए, स्वर्ग से फायर आए, फायर आए। हर शैतानी बंधन आज टूटे, हर शैतानी आत्मा का प्रभाव तेरे जीवन में छट के आ जाए। हर वो अंगों से बैठी आत्मा आता निषेध हो जाए। हर शैतानी आत्मा की प्लानिंग आज फेल हो जाए। हर कर्जे की आत्मा तो तुसी फ्री हो जाओ। हर कन्ना के रोग तो तुसी आज चंगे हो जाओ। आज तोड़ी अखां के रोग तानु छड़ दे, आज बीपी का रोग तानु छड़ दे, आज तेरे खून की कमी यीशु मसीह पूरी करे। आज लहू बहन वाली बीमारी तो तुसी आजाद हो जाओ। आज एक एक कम तोड़ा मेरा परमेश्वर पूरा करे। आज हर रोग तो तुसी चंगे हो जाओ। हर उस टाइफाइड की बीमारी तो तुसी चंगे हो जाओ। उस पीलिया के रोग तो पूरी हो जाओ। आज को काला पीलिया तनु छटे और जाए। हर पत्थरी हर रसोली यीशु मसीह के नाम से उखड़े और जाए, उखड़े और निकले और आजाद हो जाओ, चंगे हो जाओ। यीशु मसीह के नाम चंगे हो जाओ। आज तो तड़ा घुटने का दर्द खत्म हो जाए। आज तो तड़े फिंगे अंग सिद्धे हो जान। आज तो तड़े चेस्ट के रोग तुम छट के चल जान। आज तो तड़े फिंगे अंग सिद्धे हो। आज तड़े सिर का दर्द चला जाए। आज तो हर परेशानी तुम छटे और जाए। आज तो यीशु मसीह का जीवन नाम जिंदा लहू तड़े जीवन च कम करे। आज तो हर शैतानी आत्मा का जुआ टूटे टूटे इसी समय। आप फ्री हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। आपके बच्चों के जीवन चो बीमारियां जानिया रहन। तड़े छोटे बच्चे जो रोग तो ग्रस्त ने, उन्हें पेट चो इन्फेक्शन की आत्मा अज तो जाए। आमीन। जिन्होंने बच्चों के पेट से इन्फेक्शन है, छोटे बच्चों के अज तो वो पेट की इन्फेक्शन के रोग तो चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। आमीन। अज वो यीशु जो जगह से मौजूद है, अगर तुसी अज पूरे मन तो अपने आप को अपने दिल को खोलिया है तो निश्चय आज परमेश्वर तुम्हें छुटकारा देगा, क्योंकि छुटकारा देने वाला परमेश्वर तुम्हारे विचकार है। हर औषधानी आत्मा जो तुम्हारे अंगा में बैठी है,
मैं कमांड करना यीशु मसीह के नाम दे विच हर शैतानी आत्मा तोड़े जीवन से छटे और जाए आमीन। इस समय मैं उस शैतानी आत्मा के ऊपर परमेश्वर की फायर को रिलीज करता हूं। होली गोस्ट फायर, 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 आज शैतानी आत्मा तोड़े जीवन से छटे और जाए आज। नाउ दिस टाइम टू बी फ्री, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। जिन्हां दे घुटनियां च दर्द आ, जिन्हां दी लत्तां दे विच कमजोरी आ, शरीर च कमजोरी आ, अज तो कमजोरी दा आत्मा तड़े जीवन च छटे और जाए। अज तो खलाया फलाया जादू टूने दा प्रभाव, अज जो भी खलाया फलाया जो शैतानी मेज तो तुसी खाया, अज वो सारा प्रभाव उल्टी दे राही बाहर आ जाए। अज बड़ा पाप से बंधन टूटन और तुसी फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, चंगे 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 हो जाओ। हर उस कलेश तो, हर उस कलेश तो जिदे कारण तोड़े जीवन च रुकावट आ, अज कलेश देने वाली आत्मा तो तुसी फ्री हो जाओ, उस कलेश की आत्मा तो फ्री हो जाओ। जिन्हां घरां च झगड़ा आ, ओ झगड़े की आत्मा तोड़े जीवन च जाए। हर नशा करने वाली आत्मा तुहानू छड्डे और जाए। अगर आप रिसीव कर रहे हो तो आप आजाद हो। मैं क्या हर नशे करने वाली आत्मा आज तुहानू छड्डे और जाए। हर नशे की आत्मा तुहानू छड्डे और जाए। आज हर बोझ तुहाडे जीवन चो जाए। हर शैतानी आत्मा ने जो तुहाडे उत्ते अज एक बोझ पैदा किया है, अज उस बोझ तो तुसी फ्री हो जाओ, आजाद हो जाओ, चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ उस बोझ तो। अज तो एक हल्का जीवन लैन दे लिए अपने मन को तैयार करो प्रभु यीशु मसीह दे लिए। अपने मन को तैयार करो कि अज तो प्रभु मैं हल्का जीवन लेवांगी तेरे को लवांगा। अज सारा बोझ प्रभु यीशु मसीह दे दो। अज हर तो, अज तो अखां दा अंदर दा जड़ा अखां दे अंदर हनेरा पनिया, अज तो यीशु मसीह तुहानू छुए उस अंधेरे तो। अज यीशु मसीह तुहानू छुए। हर ओ मोतिया अखां विच जलन पैदा करने वाली आत्मा आज यीशु मसीह तो तुहानू आजाद करे। रेसो रखा लाबे बेरे से बाबा बाबा बा हर यो सूर्य ले बे बेरे बे 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 हर अंधेरा यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा करता हूँ, कम मट करता हूँ। अंधेरे की आत्मा यीशु मसीह इसे छू और चंगा कर, छू और चंगा कर। ऐसे इस अंधेरे की आत्मा से प्रभु तेरा आत्मा इसे चंगा करे, अंधेरे की आत्मा से इसे चंगा करे, चंगा करे इसी समय। नाउ दिस टाइम बी फ्री। आमीन। लेसो रखा बारा री संत्रोलिया बाबा रखा बाबा री संत्रोला नेरी आसा खाला सब अन्य पाशा चाप निगल करो परमेश्वर नाल ले रे सो दोरिया रखा बाबा 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 रे बे बे सका बाबा ले बे बे ले ले मेरे के रे रे या संग दोरोरिया रा 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 रे 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 सक्रोरिया ला बाबा 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 रे बे 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 ले रे सका दारे रिया संग्रोरी री सका बाबा बाबा हर सर्वाइकल तो तुसी चंगे हो जाओ, सर्वाइकल दे रोग तो तुसी चंगे हो जाओ। अपने पेट ने अपने पेट के ऊपर हाथ रखो, आप पेट दी बीमारियां आज तानु छड़ के जंग कर रहे हैं। आज तो पेट दी बीमारियां तानु छड़ के जंग कर रहे हैं। आज तो जड़े लूज मोशन को बार बार परेशान हूं मैं बोल रहा हूं। कुछ लोग जिन्हें बार बार पेट खराब होने की बीमारी है, बार 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 जिन्हों का पेट खराब होती बीमारी है, आज जो यीशु मसीह के नाम चंगे हो जाए। जो बार बार उन्होंने जीवन पेट खराब होने की बीमारी है, मैं बोल रहा हूं वो आज तो फ्री ने। आज परमेश्वर आत्मा बोल रहा हूं फ्री ने, फ्री ने, फ्री ने, फ्री ने, फ्री ने, आज चंगे ने, चंगे ने, चंगे ने, चंगे ने। हर पीरियड की बीमारी तो तुसी आज फ्री हो जाओ। आज तो पीरियड आज पीरियड खुल जाए यीशु मसीह के नाम दे विच करे। अरे सो खोरिया लेके भी मेरे गावा मेरे ऐसा करिया रे रे सा बाबा बाबा ले रोरिया सा खा बाबा बाबा तेरी असर खोली ली बरा रे रे से बे रे रे सा खा बाबा बाबा
असीम ना जाओ, असीम ना जाओ, आज सब नु मेरा प्रभु चंगा करे। अपनी बीमारी नु मंगो, अपने बॉस नु मंगो, आज तू सेम नहीं जाओगे, आज तू सेम नहीं जाओगे, सेम नहीं जाओगे। आज तो बार बार पेट की बीमारी तो तुसी जो बीमार होते हो, बार बार पेट की बीमारी के कारण तुसी बीमार होते हो। आज तो मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम दे मसा दे विच तुम्हें चंगा करता हूं। Now this time to be free, we hear the name of Jesus. Jange ho jao, jange ho jao, jange ho jao. Re saka baba li sandro ri saka baba. Nelori kari ya saka be 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 be. Nere sakari ya darori asha be 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 be. Re lori ya sekani ya darari ya saka baba baba. Re zoli kari ri shika baba baba baba. Kisi ka koi prana ro gaya. आज बहुत पुराने रोग से जो पीड़ित है, आज प्रभु का आत्मा उसे अच्छा करने जा रहा है। आमीन। आज पुराना रोग से जो लोग पीड़ित है, आज वो पुराने रोग से जो पीड़ित है वो प्रभु उनको अच्छा करने जा रहा है। आमीन। रे सा बाबा बाली संद्रोरी सका बाबा बाबा रे सोद्रिया बाबा 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 येंगोली सका बाबा 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 रे सा दरिया रे संगो बाबा रिया बाबा बाबा सीरियन सका बाबा गुप्त प्रॉब्लम से आप आजाद हो जाओ। मैं बोल रहा हूँ जिनको भी गुप्त प्रॉब्लम है, चाहे वो लेडीज है चाहे भाई है, जिनको भी गुप्त प्रॉब्लम है, गुप्त प्रॉब्लम वाली आत्मा मैं आदेश करता हूँ तुझे, जिनको गुप्त प्रॉब्लम है चाहे भाइयों में चाहे बहनों में, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आदेश करता हूँ कि आपको वो गुप्त प्रॉब्लम से आज यीशु चंगा करे। आज मेरा यीशु चंगा करे। आपको गुप्त प्रॉब्लम से चाहे भाई चाहे बहन है उसके जीवन से आज से गुप्त रोग से फ्री हो जाए। आमीन। वो गुप्त रोग आज तो उसके जीवन को छोड़कर हमेशा के लिए जाए। आमीन। चाहे छोड़कर इसी समय छोड़कर जाए, छोड़कर जाए, छोड़कर जाए इसी समय गर्भ का फल खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। गर्भ यीशु मसीह के नाम से आपके पेट में आए। आमीन। हर अंधकार की आत्मा जो आपको गर्भ में जो रुकावट है आज से गर्भवती और गर्भ खुल जाए यीशु के नाम से। आमीन। तेरी लखरिया संगे बेबी बेबी तेरी सो गोरी आगा बाबा 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 जिन्हें दे कंधियां च प्रॉब्लम है, जिन्हें दे कंधियां च दर्द है, वो हर दर्द हर रीढ़ की हड्डी से रोगी चंगे हो जाए। जिन्होंने रीढ़ की हड्डी से प्रॉब्लम है, जिन्होंने बैक पेन की दर्द है, बैक पेन की दर्द है, रीढ़ की हड्डी से रोगी चंगे हो जाए, रीढ़ की हड्डी से रोगी चंगे हो जाए। जिन्हें दे खून च इन्फेक्शन है, मैं बोल रहा जिन्हें दे खून च इन्फेक्शन है, वो खून यीशु मसीह के नाम के विच शुद्ध ते पवित्र हो जाए, वो पापी खून यीशु मसीह के नाम के विच अज धोता जाए। हर उसमें गुना तो उस पाप तो यीशु मसीह के नाम से तोड़े जीवन नु मैं तोड़े शरीर नु उस गुना नु यीशु दे लहू नाल तो नया आज तोड़े खून का इन्फेक्शन जिदे कारण तोड़े जीवन च बीमारी पैदा करता है, आज तो खून दे इन्फेक्शन दे रोगी जिन्हें दे खून च इन्फेक्शन है आज और साफ हो जाए, वो शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। उनके जीवन च हर तरह की एलर्जी हर तरह की प्रॉब्लम आज तो फ्री ने और चंगे ने, आज तो फ्री ने और चंगे ने। रे सोरिया लखा बाबा बाबा रे सोदरिया ने बेरिया ने निशा का बाबा रे सोदरिया ने बेरे लिसा का बाबा बाबा रियो सोरिया ला बे 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 हर रोग से हर बीमारी से जो पीड़ित लोग हैं वो अपनी बीमारी से आजाद हो जाए, अपने कर्जे से मुक्त हो जाए, अपने शराब से मुक्त हो जाए, अपने कर्जे से अपने शराब से मुक्त हो जाए, इसी घड़ी वो चंगे हो जाए, इसी घड़ी वो चंगे हो जाए। हर शैतानी आत्मा का जुआ टूटे, मैं परमेश्वर की फायर को लीज करता हूँ शैतानी आत्मा के जुए के ऊपर। Holy Ghost fire, 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 आज तो थोड़ा शैतानी जुआ टूटे और तुसी फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ। आज तो तोड़े मन दिल खुल जान, तोड़े मन और दिल खुल जान। आज तो जिन्हें यूरिन की प्रॉब्लम है, जो जूरन दे रोगी ने, जिन्हें पेशाब के विच, जिन्हें पेशाब का रोग है,
यूरिन दे रोगी मैं कह चंगे हो जाने यीशु दे नाम दे विच यूरिन दे रोगी जिन्ने ने चंगे हो जाने चंगे हो जाने चंगे हो जाने चंगे हो जाओ चंगे हो जाओ विंगे आगे यीशु मसीह दे नाम सिद्ध हो जाने लेरी सा का बाबा रखा बाबा रे संतरो लेरो सारा का बाबा 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 रेजो दरिया लेरी सा बाबा 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 मेरे सकली ले ले शम बाबा बाबा रेरो सखा बाबा 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 अस्तु हर शैतानी आत्मा दा जुआ तोड़े जीवन जो टूटे और तू चंगे हो जाओ हर गिल्टी दा रोग पत्थरी दा रोग सर्वाइकल दा रोग तू फ्री हो जाओ फ्री हो जाओ फ्री हो जाओ फ्री हो जाओ चंगे हो जाओ यीशु के नाम से चंगे हो जाओ थोड़ा दिल मन खुल जाए हर वो आत्मा जो तड़े जीवन प्रभु विच ओदी महिमा विच वदन तो रोक दिया वो आज तो तड़े जीवन नु छटे और जाए आज तो तड़े बिजनेस खुलन तड़े कराने ब्लेसन तड़े परिवार ब्लेसन तड़े बच्चे ब्लेसन आज तड़े बिजनेस खुल जाए तुसी हर कर्जे तो मुक्त हो जाओ तड़े कारोबार खुलन ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਆਏ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਲੈਸ ਹੋ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਲੈਸ ਹੋ ਜਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਕੋਰਟ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ रे सोलिया रे बाबा 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 रे सुंदरोरिया ले केरी सका बाबा बाबा सेलो बोरिया सा बाबा 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 नेरी संगरिया ले सका बाबा जेडे तोडे पुराने झगड़े ने कोर्ट कचहरियां दे विच मेरा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर तोडे कोर्ट कचहरियां दे चक्करां चो तानू आजाद करे आमीन आजाद करे आमीन आजाद करे जिन्ना दी जमीना ने जिन्ना दी जमीना ने जमीना जमीना की पैदावार बच जाए जिन्हां दे माल डंगर दुध देण वाले पशु ने ओ ब्लेस हो जान उन्हां दे पशुआं दे उत्ते परमेश्वर दा मसा दे नाम है उन्हां दे पशु ब्लेस हो जान दुधधारी जिहड़े पशु ने दुधधारी पशु जिन्ने ने उन्हां दी दुध दी पैदावार अज यीशु मसीह दे नाम दे विच वधे आमीन तुहाडे जमीना दी पैदावार दे फल वधन आमीन रे सलिया रो खोरिया सका बाबा बाबा जो भी तुसी काम करते हो ना कम्मा दे विच तनु बरकत आए आशीष आए आज तो तड़ा पैसा कटे नहीं तड़ी आशीष वदे अमीन आज तो तड़ी आशीष वदे अमीन आज तो तड़ी आशीष वदे अमीन ताकि तुसी परमेश्वर दी महिमा के दे पले कमाने बहुत सारा पो पाओ आज तो हर चीज विच परमेश्वर तनु आशीष करे रे सो गया बाबा 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 तोड़ा लेना देना जो भी किसी दे विच है आज तो लेन देन दे मसले खत्म हो जान और परमेश्वर तनु ब्लेस करे यीशु मसीह दे नाम दे विच आज तो जिन्ना दे पति झगड़ा करते ने ओ झगड़ा करन वाली आत्मा तनु छड़न और जान ना दे जी जिन्ना दे पति झगड़ा करते ने ओ हर झगड़े दी आत्मा यीशु मसीह दे नाम दे विच हर झगड़े दी आत्मा चाहे ओ बच्चे दे जीवन च चाहे तोड़े पतियां दे जीवन च भैणा दे जीवन च हर क्लेश दे झगड़े दी आत्मा नु कमांड करदा यीशु मसीह दे नाम दे विच हर ओ झगड़े दी आत्मा ओ तड़े जीवन नु छट्टे और जय यीशु दे नाम जय यीशु मसीह दे नाम दे विच इसी समय जय 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 आमीन आमीन अपने रोग नु कमांड करो बोलो 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 यीशु मसीह दे नाम दे विच बोलो बोलो अपने हथनु भाई ब्रेड करके बोलो मैं निकल अपनी बीमारी ने बोल निकल तेरा कोई अधिकार नहीं है मैं यीशु दे कोड़े खान तो चंगी हां मैं चंगा हां कमांड करो अपने हथनु वाइब्रेट हो गए बोलो निकल बाहर तेरा कोई अधिकार नहीं है बोलो 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 कमांड करो अपनी बीमारी नु तेरा कोई अधिकार नहीं है चाहे पत्थरी या रसोलिया चाहे कैसा भी रोग क्यों नहीं है आज मेरा प्रभु तनु चंगा करेगा चंगा करने वाला परमेश्वर सगा तेरे पर सू दिया आज तनु वदा तुम छुएगा चंगा करेगा सामर्थी परमेश्वर आज साडे विच कारया और ये किसका आत्मा अनुशुएगा चंगा करेगा चंगा करेगा रे सला बरे सा बाबा 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 चंगे हो जाओ चंगे हो जाओ चंगे हो जाओ चंगे हो जाओ रे सोरी अल्ले बेरे सा बाबा
ਰੇ ਸੰਗੋਰੀ ਸਕਾ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਨੀਲੇ ਰੇ ਸਖਰੋਰੀਆ ਸਬਾ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਹਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜੂਆ ਟੁੱਟੇ ਹਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜੂਆ ਟੁੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਰੋਗੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਦਾਂਤੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਲੇ ਰੋਗੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਸੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓ ਇਸੀ ਸਮੇਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਮੇ ਜੋ ਦਾਂਤੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰ ਰੋਗ ਹੈ ਜੋ ਬਦਬੂ ਕੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਅੱਜ ਸੇ ਵੋ ਆਤਮਾ ਬਦਬੂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਮੈਂ ਕਮਾਂਡ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਆਪਕੋ ਯਿਸੂ ਕੇ ਨਾਮ ਸੇ ਇਸੀ ਘੜੀ ਆਪ ਉਸ ਦਾਂਤੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੇ ਰੇਸ਼ੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਓ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓ ਗਲੇ ਕੇ ਰੋਗੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਏ ਥੈਰਿਡ ਕੇ ਰੋਗੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਨਕੋ ਥੈਰਿਡ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਨਕੋ ਗਲੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਤੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲੇ ਕੇ ਰੋਗੀ ਸਭ ਅੱਛੇ ਹੋ ਜਾਏ ਅੱਛੇ ਹੋ ਜਾਏ ਅੱਛੇ ਹੋ ਜਾਏ ਅੱਛੇ ਹੋ ਜਾਏ ਆਸੇ ਆਪਕਾ ਹਰ ਬੰਧਨ ਹਰ ਜੂਆ ਟੁੱਟੇ ਆਪ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਓ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੇ ਰੇਸਟੋਰੀਆ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ 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 ਇਸੀ ਗੜੀ ਇਸੀ ਗੜੀ ਇਸੀ ਗੜੀ ਆਪਕੇ ਰੋਗ ਆਪਕੋ ਛੋੜੇ ਔਰ ਜਾਏ ਆਪਕੋ ਰੋਗ ਛੋੜੇ ਔਰ ਜਾਏ ਛੋੜੇ ਔਰ ਜਾਏ ਛੋੜੇ ਔਰ ਜਾਏ ਛੋੜੇ ਔਰ ਜਾਏ ਅਗਰ ਆਪ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤੋ ਗਵਾਹੀ ਕੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕੋ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਗਵਾਹੀ ਕੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕੋ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕੋ ਗਵਾਹੀ ਕੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੋ ਛੂ ਚੁੱਕਾ ਔਰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੋ ਛੂ ਚੁੱਕਾ ਔਰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਆਤਮਾ ਕਾ ਜੂਆ ਟੁੱਟੇ ਔਰ ਆਪ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓ ਬਾਬਾ ਸਿਰ ਦੇ ਰੋਗੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਿਰ ਦੇ ਰੋਗੀ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਅੱਜ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਿਰ ਦੇ ਰੋਗੀ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਮੈਂ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਬਾਬਾ ਸਿਰ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਿਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਫਾਇਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਹੋਲੀ ਗੋਸ ਫਾਇਰ ਹੋਲੀ ਗੋਸ ਫਾਇਰ ਹੋਲੀ ਗੋਸ ਫਾਇਰ ਹੋਲੀ ਗੋਸ ਫਾਇਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਸਿਰ ਦੀ ਰੋਗ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਫਾਇਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਲੀ ਗੋਸ ਫਾਇਰ 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 ਬਾਬਾ ਸਿਰ ਦੇ ਰੋਗੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓ ਬਾਬਾ ਸਿਰ ਦੇ ਰੋਗੀ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓ ਅੱਜ ਸੇ ਆਪ ਚੰਗੇ ਹੋ ਆਪ ਸੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਆਮੀਨ ਆਪ ਸੇ ਆਪ ਚੰਗੇ ਹੋ ਆਮੀਨ ਬਾਬਾ ਸਿਰ ਦੇ ਰੋਗੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਏ ਆਮੀਨ ਸਭਾ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਆਪ ਕੀ ਰਸੋਲੀ ਟੁੱਟੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੇ ਨਾਮ ਸੇ ਉਖੜੇ ਔਰ ਅਭੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਕੀ ਰਸੋਲੀ ਆਪਕੀ ਪੱਥਰੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ ਯਿਸੂ ਕੇ ਨਾਮ ਸੇ ਆਮੀਨ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ ਆਮੀਨ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ ਆਮੀਨ ਜਹਾਂ ਪੇ ਵੀ ਆਪਕੀ ਗਿਲਟੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਸੇ ਅੱਜ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਏ ਆਮੀਨ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਏ ਚੂਲੇ ਦੇ ਰੋਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੂਲੇ ਦਾ ਰੋਗ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੂਲੇ ਦਰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੂਲੇ ਦਾ ਰੋਗ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੂਲੇ ਕਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਚੂਲੇ ਦੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਨੇ ਉਹ ਆਸ ਰੱਖੋ ਔਰ ਅੱਜ ਫ੍ਰੀ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ ਚੂਲੇ ਦੇ ਰੋਗੀ ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਰੋਗੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੂਲੇ ਦਾ ਰੋਗ ਆ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰੋਗ ਆ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਏ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਉਸ ਚੂਲੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰੇ Yesu, 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 Yesu
कुछ पाते चुका है मेरा परमेश्वर, एक एक कुछ पाते प्रभु की महिमा इस जगह अगे आ जाओ अच्छी प्रभु की महिमा के लिए बैठ जाओ बाकी सब जो प्रभु की महिमा करना चाहते हैं जिन्होंने पवित्र आत्मा ने अज छूया उन्होंने मन में क्योंकि परमेश्वर का आत्मा पक्षपात नहीं करता बोलो की नहीं करता क्योंकि मैं जो जो बोलिया परमेश्वर कर चुका है
क्योंकि जो जो परमेश्वर की आत्मा ने तुहाडे लई अच बोलिया तुसी उस तो चंगे अज तो अज तो तुसी चंगे हो तुसी अज तो फ्री हो जो जो भी ने इस साइड निकल आओ साइड ते आ जाओ इस साइड जो भी प्रभु की महिमा करना चाहते हैं कि अस मेरे परमेश्वर ने मैं आजाद किया मैं चंगा किया इस साइड ते आ जाओ बार बार आ जाओ उन्हें बंद करो उन्हें बंद करो उन्हें चलाता है उन्हें उस स्पीकर चलाता छोड़ उठे ना रखे साइड तो साइड सुने प्रभु की महिमा के लिए कोई नहीं है गर्मी का मौसम है पर जीवन नालों बात के कुछ नहीं है तो प्रेर जी ये दसदे पे ने कि इन्हां दे चूल्हियां विच कल दी बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी और जदों तुहाडे मुख तो हुणे हीलिंग हुई और इन्होंने रिसीव किया कि परमेश्वर तुसी मैनू ब्लैस कर चुके हो इस दर्द तो आजाद कर चुके हो और ये दसदे पे ने हुण पूरी तरह फ्री हो चुके ने यीशु मसीह दे नाम दे विच आमेन ये सिर्फ कल्ले नहीं आ और भी आ जिन्हां नूं प्रभु चंगा कर चुका है बोलो ये सिर्फ यही कल्ले नहीं है और भी नहीं अगर वो विश्वास करदे ने वो भी चंगे ने बोलो कि नहीं वो भी चंगे ने और बोलो तो प्रेरित जी दसदे पए ने कि इन्हां नूं काफी बोझ सी और कहिंदे कि मेरे मन ते इन्ना ज्यादा बोझ सी कि जदों मैं परमेश्वर दे में कहिंदे मैं रूह विच भर गई तो कहिंदे कि मैनूं एकदम शांति और आनंद आ गया और कहिंदे मैं विश्वास करदी कि परमेश्वर मैनूं फ्री कर चुके उस बोझ तो तारीफ करांगे प्रभु दी कि बोझ साडे जीवन च बीमारियां कर तो प्रेर जी ये दसदे पे ने कि इन्हों पर भी बहुत ज़्यादा बोझ सीगा और ये दसदे पे ने कि यीशु के नाम से अज पूरी तरह फ्री हो चुके ने तो प्रेर जी ये दसदे पे ने कि इन्हां दे दंदा विच बहुत ज़्यादा दर्द सीगा और जदों हुणे हीलिंग हुई तो इन्होंने रिसीव किया और यीशु मसीह दे सामर्थी जिंदा नाम दे विच हुणे जो दर्द हो रही थी परमेश्वर ने आजाद कर दिता यीशु दे सामर्थी जिंदा नाम सुनो 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 चिन्हियां ने भी ये सिर्फ कल्ले नहीं है चिन्हियां ने भी अपने फेस दे उत्ते हाथ रखिया जिन्हां नूं भी दंदा दी प्रॉब्लम वो सारे दे सारे की हो चुके ने सारे विश्वास करदे ने बोलो सारे विश्वास कर देने और सारे प्रभु की गवाही देने तैयार हो जाओ क्योंकि प्रभु आत्मा तुम चंगा कर चुका है तो प्रेरित जी दसदे पए ने कि इन्हां दे शोल्डर काफी दर्द हो रहे सी और कहिंदे कि मैनूं इवें लग रहा कि बहुत ज्यादा भार आ तो इस समय कहिंदे परमेश्वर ने मैनूं हील कर दिता और इन्हां दे गले विच कहिंदे जदों मैं खाना खाती हाँ तो इवें बुरके इवें कहिंदे रोटी फस जाती सी तो कहिंदे मैनूं परमेश्वर जी ने इवें इवें महसूस होया कि जिवें गले विचों कोई चीज़ जा के मेरे पेट विचों इवें निकल गई आ तो परमेश्वर ने कहिंदे मैनूं गले तो भी हील कर दिता यीशु मसीह दे नाम च तारीफ करांगे सब गवाइयां ले सी अपने हथां नूं हलाउंदे होए प्रभु दी महिमा करांगे क्योंकि सारे दे सारे चंगे हो तुसीं इक वी व्यक्ति बीमार नहीं अगर आप विश्वास करदे हो सारे दे सारे हील हो सारे दे सारे चंगे खादा पीता जो भी किया कराया यीशु के नाम से बाहर आ जाए तो इन्होंने रिसीव किया और यीशु मसीह के सामर्थी जिंदा नाम के होने उल्टी दे रही सारा किया कराया बाहर आ गया यीशु के सामर्थी नाम
अगे आ जाओ, क्योंकि एक काफी समय तो अपनी बीमारी तो पीड़ित ने बोलो कि नहीं, एक काफी समय तो कई दिन तो ये दर्द नाल तड़फ रहे ने, की हो रहे ने, कई दिन तो की हो रहे ने, कई दिन तो बेचारे बहुत मुश्किल चले, और उस मुश्किल के कारण इन्हें पूछा जाए कितने कितने नहीं गए, कितनी दूर दूर जाके इन्होंने अपने जीवन की उस छुटकारे के लिए की नहीं किया, केड़ी केड़ी जगह नहीं गए, जान के भी प्रभु नु, क्योंकि नए सिरे तो जन्म लेना की है, सिख्या ना जरूरी है, आवश्यक है, जरूरी है, समझ नहीं, पर परमेश्वर महान है, बोलो कि परमेश्वर महान है। मैं जानता कि जड़ी दुष्ट ने इन्हें प्रॉब्लम कई समय तो दी, अज तो फ्री ने, कई दिन तो बेचारे तड़फ रहे थे, अज तो मेरा परमेश्वर फ्री कर चुका, बोलो की कहना चाहते हैं। तो प्रेज जी दसदे ने कि इन्हों पत्थरियां की प्रॉब्लम सी, और विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह के नाम च परमेश्वर मैं चंगा कर चुके ने, निकल चुकी ने, बोलो की हो चुकी ने, अज निकल चुकी ने, क्योंकि उसका चूहा बड़ा नरम और मुलायम भी है। आज जाओ अपने घर विच मीठा मीठा भोजन ते रस खाओ और पियो, क्योंकि तुसी आजाद हो, अस तो प्रभु दी महिमा विच वधदे हो। क्योंकि जो कोई जिन्ने विश्वास नाल जिन्नी तैयारी नाल आएगा, जिन्नी प्यास नाल आएगा, बोलो कि आएगा, ये बड़ी प्यास ते बड़ी चाहत नाल आए ने। अज कितने बजे पहुंचे सी, ये कितने बजे पहुंचे सी, अज 9:30 बजे पूरे राइट टाइम, जदों किदी संगति शुरू हो जाती है, क्योंकि 9:30 बजे प्रार्थना शुरू विच शुरुआत विच बैठ जाने, जिन्नी कोई चाहत ते प्यास नाल आएगा, वो हर घड़ी नूं पूरा करने वाला परमेश्वर उन्नी जल्दी उहदे काम नूं मेगी करेगा, क्योंकि जिन्ना कोई भुखा होएगा उन्ना ही वो ज्यादा खाएगा, जिन्नू जिन्नी प्यास होएगी वो उन्नी जल्दी तृप्त किया, और जाया जाएगा, प्रभु ने कहा कि जाएगा वो जेकर तेनू जीवन की भुख आ तू प्यास आ तेनू तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुहाडी प्रॉब्लम चाहे किन्नी भी वड्डी क्यों नहीं है, तुहाडा दुख किन्ना भी वड्डा क्यों नहीं है, तेनू की करेगा, बोलो की करेगा, ये पर तुहाडे उत्ते निर्भर करदा है, बोलो की करदा है, तुहाडे उत्ते निर्भर करदा, किन्नी चाहत ते किन्ने विश्वास नाल आए। मैं उन्हां लोकां लई सोचदा हां जिहड़े इन्ना आनंदमई समय नूं अपने जीवन चों गवांदे ने, बोलो की होंदे ने, किन्ने लोक अज रूह ते आत्मा नाल भर गए ने, और अज दे वचन नूं जिन्हां ने सुनिया है कि मैं किहड़ा जीवन पाया है और मैं किहड़े जीवन की चाल चलनी है, क्योंकि शरीरिक मनुख उदियां गल्लां नूं समझ नहीं सकता, वो दौड़दा ही रहेगा भजदा ही रहेगा, पर आत्मिक गल हर गल नूं समझदा और किहदे कोलों छुटकारा लैंदा अपना, उस परमेश्वर दे कोलों। अगर तुसीं अज समझे हो तो तुसीं छुटकारा पा चुके हो, सारे दे सारे, ते सारे दे सारे छुटकारा पा चुके हो, क्योंकि वो शैतानी ताकत दा तुहाडे उपर कोई अधिकार नहीं। पर जिहड़े लोग कई सोच सोच के आंदे ने, सोच सोच के जीना नहीं, आनंद ते प्रेम नाल जियो, खुशी नाल किदे नाल जियो, क्योंकि वो तुहानू प्रेम करदा है, तुहानू हर बोझ तो की करना चाहुंदा, आजाद करना चाहुंदा है। एक सूचना सुनो, किथे रखिया हो, एक सोचना मैं तुहानू दिंदा, और सुनो अजन्या ने भी जो कुछ सुनिया, परमेश्वर हर एक दे लई हर काम हर चंगियाई हर वचन दी आशीष दे चुका, अज दी प्रभु दे विच जिहड़ी तुसीं आके मेहनत कीती है, अज प्रभु तुहाडे जीवन च की कर चुका, उस काम नूं पूरा कर चुका है, इसलिए आमीन बोलो और उच्ची नाल परमेश्वर तारीफ करो ताड़ी दे नाल। आमीन।